करती हूँ। सुना, जो कुछ मन में आता है साफ साफ। प्यारे, कहा था कि छोटा लाओ, इतना बड़ा लाया। जो कुछ अच्छा लगता है वही करती हूँ। अब तुम्हें बताओ, ये तो मेरी सच्चाई है ना? लेकिन माँ, इस घर में कोई भी मुझे ठीक से समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि बाबूजी भी, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो भी कभी कभी। दीदी, दीदी, क्यों शोर मचाती है? शोर मैं नहीं, वो टांगे वाला मचा रहा है। कहता है इतनी देर हो गई तो सैर करने चलना है तो चलो, नहीं तो वो जाए बेचारा। कैसे जाएगा? मैंने उसको एडवांस दे रखा है कल से। पहले मुझे वो टांगा चलाना सिखाएगा, उसके बाद जाएगा। फिर भी जल्दी करो, मामा जी आ गए तो जाने नहीं देंगे। अरे बाबूजी को आने में बहुत देर है, चल चल ना। इसी तरह से मेरी जिंदगी की लगाम थाम ले तो मेरी तो जिंदगी बन जाए। ऐसा मत बोल वरना जिंदगी भर चाबुक खाएगा चाबुक। अबे जाजा, हसी तो फसी। अरे रॉन्ग, वो तो इत्तेफाकन मैं गिर गया था इसलिए वो मुझे देखकर हंसी। है गिर गया तो हंसी, इसी खुशी में जाके थोड़ा सा जहर खा लीजिए आप। जा, हम जानते हैं हंसी का राज क्या है। क्या? नजर नजर से मिली तो सलाम कबूल किया, हंसी में कह गए दिल का पयाम कबूल किया। प्यारे, ये क्या है? आवारा कुत्ते। इन्हें बंद क्यों कर रखा है? वो गर्मियों में कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, इसलिए इन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। पागल होने से पहले ही? अरे पागल होने के बाद ये काबू कहाँ आते हैं? अरे कहाँ जा रही हो? सुनो भैया, अगर तुम अपनी और अपने टांगे की खैर चाहते हो ना तो यहाँ से फूट लो, मैं जरा सब्जी वब्जी खरीद लूं। नीतू, हाँ? मुझे ऐसा लगता है मारे गर्मी के इनका दम घुट रहा है। तो इन्हें अगर खुली हवा नहीं मिली तो मर जाएंगे बेचारे। तो क्या करोगे? बंदोबस्त करती हूँ। 1, 2, 3, 4। अरे मुन्नी, देखे क्या तुमने? कुत्ते बेचारे गर्मी में मर रहे थे, उन्हें खुली हवा में छोड़ दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, आखिर कुत्ते भी तो इंसान हैं। आपको इतनी हमदर्दी थी तो आपने खुद क्यों नहीं छोड़ दिए? अच्छा किया, चल ले तू, चल प्यारे। अरे अरे मेरे कुत्ते, मेरे कुत्ते। अरे भाई मुझे छोड़ दी। मेरे कुत्ते, मुझे छोड़ो, जाने दो मेरे कुत्ते। अरे मैं कुत्ता थोड़ी हूँ। मेरे कुत्ते। अरे हट। अरे चौधरी साहब की बेटी ने कुत्ते छोड़ दिए। अरे अरे प्यारे बाबू, अरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बाबू, मेरी बात सुनो, हम पे रहम कीजिए, दया कीजिए। देखिए हमारे पेट पर लात मार के चले गई। अरे तुम्हारे पेट का ख्याल करूँ या अपने पेट का? देखते नहीं मुझे घर जाके सब्जी बनानी है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे प्यारे बाबू, तो हम भी तुम्हारे साथ इधर उसी घर तक चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ फिर चलो, फिर चलो, फिर चलो, फिर अबे शुक्र करो कि उसने कुत्ते पकड़ने के जुर्म में तुमको उस गाड़ी में बंद नहीं कर दिया, वरना तुम भी कुत्तों की तरह भाव भाव कर रहे होगे। समझे? वो कुत्ते गाड़ी में बैठते के साथ ही सरकारी कुत्ते हो गए और ये सरकार का नुकसान हुआ, आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। अबे तो सरकारी कुत्ता तुम्हारे अब तक वहीं घूम रहे होंगे, जाकर फिर पकड़ लो उनको। फिर पकड़ लो उनको। अरे सरकारी कुत्ते पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, उन कुत्तों को पकड़ने के लिए मैं दिन भर कुत्तों की तरह उनके पीछे भटकता रहा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। कैसे दफा हो जाऊं? ये काम हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए म्युनिसिपैलिटी ने हमको चुना है, हम म्युनिसिपैलिटी। अच्छा बच्चू आओ मेरे साथ। बाबूजी, बाबूजी, इनसे मिलिए, आप हैं कुत्ते वाले? जी चाचा साहब। भाई हमें नहीं चाहिए कुत्ते होते। बाबूजी ये कुत्ते बेचने वाले नहीं है, पकड़ने वाले। तो जहाँ कुत्ते हैं वहाँ जाके पकड़ो, यहाँ। अरे भाई कुत्ते होते इस घर में नहीं है। पकड़े थे चौधरी साहब, लेकिन आपकी सुपुत्री ने सारे आजाद कर दिए बाबूजी। जी चौधरी साहब, हमें फिर कुत्ता 2 रुपए मिलने वाले थे। कुल कितने कुत्ते थे? 4 और 3, 7 हुए। 14 रुपए का नुकसान हुआ है, हम इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। झूठ, इतने बड़े आदमी होकर इतना झूठ बोलते हो? 4 कुत्ते थे बाबूजी, मैंने अच्छी तरह से गिने। नीतू बोलना कितने कुत्ते थे? 7। 4, 4। देखो ना बाबूजी कितना झूठ बोलता है ये आदमी, 8 रुपये से 1 रुपया ज्यादा मत दीजिएगा। चल नीतू। इन्होंने जब हमारे 4 कुत्ते छोड़े थे तो हमने 1 कुत्ते को घेर रखा था और 2 कुत्तों पर हमारी नजर थी। 4 और 3, 7 हुए ना?
बकवास मत करो, ये लो अपने 8 रुपए और पूरा यहाँ से चलो। ये सरासर अन्याय है, अन्याय है। नाटक नहीं, नाटक और क्या, फाटक वो उधर है, चलो यहाँ से। दे दे 14 रुपए बेचारे को। अरे झूठ बोलता, चलो चलो देता हूँ, चलो। सात दिन। मामा जी आप भी कमाल करते हैं। क्या हुआ? कभी कभी लाली को भी तो समझा दिया कीजिए। रोज कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। और अगर आपकी शय इसी तरह पाती रही तो दिन पर दिन और बिगड़ती जाएगी। अरे बच्ची है, बच्चे अगर शरारत ना करें तो बच्चे क्या। मामा जी इतना तो सोचिए, आखिर वो लड़की है। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जिस दिन उसे अपने लड़की होने का एहसास हो जाएगा उसके ढंग बदल जाएंगे। उसकी मासूमियत देखकर मुझसे कुछ कहा भी तो नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल नन्ही सी थी तब से उसकी मां नहीं रही। उस वक्त से मैं ही उसकी मां हूं, मैं ही उसका बाप। इसलिए अब तू भी तो कुछ दिन यहां है, तू ही उसे ढंग से खा दे। लेकिन मामा जी। अरे बस करो ना भैया, और कितना लिखोगे? ओहो लिखते लिखते तुम्हारा सर नहीं दुखता है क्या? लिखने से तो नहीं दुखता है, लेकिन अगर तू बड़बड़ करती रही तो जरूर अच्छा होगा। भैया सिनेमा की किताब मौसम कितना अच्छा है। चलो ना जीप में घूम के आते हैं। तुमने बोला था ना जीप चलाना सिखाओगे। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अच्छा मैं जाती हूँ। ले दे चाबी, छोड़ छोड़ छोड़। बाबूजी ने जैसे जीप सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी है। मुन्नी तुझे और कोई काम नहीं है? वो भी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे सर पे नाचेगी? कोशिश करूंगी। भैया दीदी को कुछ बोलने से फायदा नहीं है। नीतू मैं तेरी बत्ती से निकल के रख दूंगी। बस 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 अभी नहीं। मुझे 4:30 बजे स्टेशन जाना है पार्सल लेने किताबों का। उसके बाद 4:30 बजे अभी 4:05 बाकी है। कब जाओगे? मैं चला। आई संभल के सामान उतारो भाई। नहीं आया ना मेरा पार्सल? अरुण बाबू आप इतने खुशकिस्मत कहाँ हैं? वो तो मुझे मालूम। सिर्फ रोज आने वाले अखबार ही आए हैं। आपको मालूम है पिछले 2 हफ्तों से मैं उन किताबों का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो किताबें नहीं आएंगी मैं बिल्कुल बेकार बैठा रहूंगा। लगता है आपके डिपार्टमेंट में अर्जेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। इमरजेंसी हो तो अर्जेंसी भी समझ में आती है। माफ कीजिएगा कि आप ही यहाँ के स्टेशन मास्टर? जी हाँ। देखिए काका जी की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई इसलिए यहाँ उतर। वैसे आगे जाना था। अच्छा यहाँ पे कुछ इनके इलाज का बंदोबस्त हो सकता है? देखिए हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स तो है, अगर आपका काम उससे चले तो। नो थैंक्स। कह कि इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अच्छा नजदीक में कोई डॉक्टर या कोई अस्पताल हो तो? हाँ डॉक्टर है, अस्पताल भी है। आप मेरे साथ चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे पास जीप है, आइए आइए काका। अरे राधेलाल इनका सामान जरा अरुण बाबू की जीप में रख दो। फूड पॉइजनिंग का केस था, अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए। वैसे उन्हें कल तक आराम आ जाएगा, आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। आइए आइए। अब आप कैसे हैं काका? ठीक हूँ बेटा। अच्छा काका मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे भी काफी दूर जाना है। भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे बेटा। मैं तुम्हारा ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं काका, ये तो मेरा फर्ज था। कौन इसका ख्याल करता है बेटा आजकल? डिब्बे में और भी कितने ही मुसाफिर थे, किसी ने मेरी चिंता नहीं की। अगर तुम ना होते तो आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं? नहीं बेटा कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं काका? बेटा इन चंद घंटों के सफर में भगवान ने जो रिश्ता जोड़ दिया है वो तो सदा का रिश्ता है। अब तुम जाओ, अंधेरा हो रहा है। आप इनके लिए बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं ना। अच्छा काका मैं चलता हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। अच्छा अरे अब तक तो आपकी गाड़ी जा चुकी होगी। अब मैं यहाँ तालपुर के जंगल में वेलफेयर ऑफिसर बन के आया हूँ। तालपुर? तालपुर तो यहाँ से बहुत दूर है, उस जंगल में पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो जाएगा और इस वक्त आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर बस या कुछ और? कुछ नहीं। आप ऐसा कीजिए आज रात आप हमारे पास रुक जाइए, कल मैं आपको छोड़ आऊंगा।
आपको क्यों तकलीफ? मैं स्टेशन पर ही। स्टेशन पर? शर्म नहीं आई आपको ऐसी बात करते हुए? आप एक अजनबी हम सफर को अपना काका बना सकते हैं, मुझे अपना दोस्त नहीं बना सकते। क्या मैं इतना खुशनसीब हूं? मेरा नाम अरुण चौधरी है, शायद आपका भी कोई नाम होगा। हाँ, राजीव माथुर। वाह, बहुत अच्छा नाम है। आइए। डांस हो रहा है, आप कर रही हैं? मैं देख रही हूँ। तुम ये डांस देख रही हो या शीशे में मुंह देख रही हूँ? मैं अब समझ गई। सिर्फ ड्रेस पहन के शीशे में देखने का ही तुम्हें शौक है। कुछ सीखो या ना सीखो, ड्रेस तो तुम्हारा पहले ही बन जाता है, इसीलिए तो तुम्हारी पहली टीचर भाग गई थी। ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। माई गॉड, देखो अगर तुम्हें कुछ सीखना नहीं है तो मैं तुम्हारे पिताजी से कह देती हूँ कि वो क्यों खामखा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मारे का पापा, मारे का पापा। ओफो, अब मैं जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ। जाओ सैया ऐसे न चुराओ मुँह से अखियां। जाओ सैया ऐसे न चुराओ मुँह से अखियां। जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी तो है बहिया छुड़ा के।
आइए राजीव बाबू, आइए आइए। क्या है? ये कौन है राजीव बाबू? अरे यार, आपका घर तो बड़ा खूबसूरत है। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन दरअसल इस खूबसूरती की दाद आपको मेरे दादा के दादा को देनी चाहिए, लेकिन उस कोशिश से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में है नहीं। खैर चलिए आइए आइए। अरे जीप में से सामान ले गया। आइए राजीव बाबू, ये है आपका कमरा, आइए। अरे कहीं मेरा चश्मा स्टेशन पर तो नहीं रह गया? जी आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठिए ना। लगता है ये यहाँ घूमने नहीं, घर गृहस्थी बसाने आए हैं। लगता नहीं है, है। लेकिन तुझे अपने दिमाग को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जा बाकी का सामान लेके आ। जा। इतनी रात को चले आते हैं ये नहीं सोचते कि प्यारे लाल को कितनी तकलीफ होगी, खुद को तकलीफ, दूसरों को तकलीफ। अरे दिन में आओ, किसी ने मना थोड़े किया है। अच्छा तो कन्हैया बंसी भी बजाते हैं? ठीक है, तुम उसके खाने पीने का इंतजाम कर दो जी, और देखो उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो जी। मैं सुबह उससे मिल लूंगा जी। अच्छा बाबूजी, बाबूजी के ऑर्डर है कि आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ किस बात की? अरे मैं तो ऐसा घर ही जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ, और फिर आपकी बदौलत इस खूबसूरत माहौल में एक रात रहने का मौका जो मिला। अरे क्या कर रहे हो? ये रहा आपका बिस्तरा, ये आपके बर्तन, और ये रही आपकी बांसुरी। अरे ये तो मेरे झोले में थी। जी हाँ, शायद वही थी। जी हाँ। आप ये बांसुरी बजाते हैं? जी, पिताजी से सीखी थी, उन्हें बड़ी पसंद है। अच्छा अच्छा। अरे अरे कर क्या रही हो दीदी, अभी से दुकान बंद कर दी। क्यों, क्या हुआ? बंसीधारी ब्रिज मोहन आए हैं। वो कौन है? अरुण भैया के दोस्त। अरुण के दोस्तों का भी जवाब नहीं, दिन में कम और रात में ज्यादा आते हैं। जी रात को ही आते हैं और फिर खाना भी खाते हैं। आप चलिए उनके खाने का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं बिस्तरा लगाऊं उनका। मर गए। फिर छोड़िए ये सब बातें, कुछ सुनाइए। इतनी रात गए, आपके घर के लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी? ओफो, वो तो कब के सो चुके होंगे। आइए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, लीजिए कुछ सुनाइए। मुझे क्या मालूम, रुक के देखना। तुम जाओ ना, दो मार खाएगी, जा। ये इतना सब किसके लिए? भैया के दोस्त आए हैं, शाम का वक्त है ना, जरा चाय पियेंगे, फिर उसके बाद खाना खा के यहीं सो जाएंगे, सुबह उठकर नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे, और पता नहीं जाते भी हैं या नहीं। नीतू चल अंदर चल, जीत जाता है बैंड बजा दे उसका। शोर मचाने का और कोई वक्त नहीं मिला खान साहब को, बीच रात में भोपू बजाना शुरू कर दिया। स्टूपिड, दरअसल मैंने इनसे कहा था कुछ सुनाने के लिए, और तुझे तो संगीत का शौक है ना, और बांसुरी है भी बड़ी सॉफ्ट सी इंस्ट्रूमेंट। आजा आजा आके सुन कुछ, आजा। ये मेरी छोटी बहन है लाली, इसमें जरा सा बचपना है। चलिए आज रात के लिए बहुत हुआ, सो जाते हैं, कल जरा जल्दी जाना है ना। अरे मुन्नी अरे तकलीफ किस बात की, तुम इतनी दूर से आए हो, अब तो बड़ी हो गई है, सबके सामने नाचने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मौका मिलते ही। अरे राजीव चलो भाई, देर हो जाएगी,
अरे राजीव को कुछ चाय वाय पिलाएगी नहीं? जी बाबूजी चाय पिला दी है, बाकी रास्ते में खिलवा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। चलो अच्छा जी मैं चलता। नमस्ते। अच्छा मैं इसे पहुंचा के आता हूँ। अच्छा बाबूजी ये राजीव कौन है? बड़ा अच्छा लड़का है, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस में वेलफेयर इंस्पेक्टर लगा। इंस्पेक्टर? तो भैया के दोस्त कैसे बन गए? भाई कल ही बने। लगता तो ऐसे है जैसे कि बरसों की दोस्ती है। भाई जिन्हें दोस्त बनाना आता है वैसे ही बना लेते हैं। तू क्यों परेशान हो रही है? लेकिन उनको भले बुरे का बिल्कुल ख्याल नहीं है, अकल बिल्कुल भैया जैसी है। दूसरे की यहाँ ठहरे है और सीटी बजाना चालू कर दिया। मैं तो परेशान हो गई रात भर। राजीव बाबू क्या हुआ? जी चाहता है सारी जिंदगी यही रह जाओ। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इन जंगलों में पहाड़ों में न घर बार, सूखा प्यासा भूखा। अरुण बाबू हम कुछ भी हो जाए लेकिन कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं है। आप कविता वगैरह भी लिखते हैं? तो चलिए आइए घर पे बैठ के लिखिएगा, नहीं तो देर हो जाएगी पहुंचने में। आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। 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 नमस्ते अरुण बाबू। उपाध्याय जी इनसे मिलिए, ये है आपके श्री राजीव माथुर। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ग्लैड टू मीट यू। लेकिन आप जी आप परेशान मत होइए, ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं राजीव बाबू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें कैसे जानता हूँ। हाँ। स्टेशन गया था, वहाँ मुझे मिल गए, मैं ले आया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे तुलसी साहब का सामान उतार। अच्छा चलो चलो उतारो सामान। अरे मंगली ये है तेरे नए साहब राजीव माथुर। नमस्ते। ये रहा अपना ऑफिस। सच बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक बात सोच रहा था। फरमाइए। मैं ये सोच रहा था कि आप इतने जवान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। आप भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं ये बात नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि आपका जी लगेगा इस जंगल में। अरे साहब लगेगा क्या, लग चुका है। पहले पहले तो जंगल सबको अच्छा लगता है लेकिन बाद में सभी उकता जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी तो नहीं है। जंगल से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन यहाँ के गरीब लोग इनके दुख मालिक इनकी मुसीबतें ही आपको 24 घंटे परेशान रखेंगे। राजीव बाबू देख लीजिए, एक बार फिर सोच लीजिए, ये सब झेल पाएंगे? और किसी के गम में अगर शरीक हो सकूं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। अगर ये लोग मुझे अपना मान ले तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ पे आना सफल हुआ। झूठा है तू और बेईमान भी। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये नकली माल, सीधे से मेरे पैसे वापस कर दे नहीं तो। अरे देता हूँ मैया देता हूँ, शोर मचा के क्यों मेरा धंधा खराब करती है? अरे तेरा धंधा तो मैं। ए रास्ता उधर है। पर तू तो इधर है। देख सवेरे सवेरे तू मेरा दिमाग और गरम मत कर। ठंडा तो कर सकता हूँ, चल आ बैठ रिक्शा में। मुझे नहीं बैठना तेरे। आना नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा में सैर करा लाऊंगा। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। अरे चली जा, मेला दिखा लाएगा। हाँ झूला झुलाऊंगा। मलाई की कुल्फी खिलाऊंगा। आना तू नहीं मानेगा? आज के लिए तू ही मान जाना। क्या बोला? छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। चल बैठ। नहीं बैठूंगी। नहीं बैठेगी? नहीं। तू नहीं बैठेगी? नहीं। तो फिर निकाल भाड़ा। भाड़ा? किस बात का? किस बात का? ये जो सामान इधर रखा है उस बात का निकाल भाड़ा। अरे वाह, सामान रखने का भाड़ा? देखा, एक तो सुबह से भोनी नहीं हुई है। चल निकाल पैसा।
मुझसे पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और अपने होने वाले मर्द को आंखें दिखाते तुझे शर्म नहीं आती? मर्द अभी हुआ तो नहीं ना, पैसे अभी लिए तो नहीं ना, और आखिर अपनी मंगनी तो ही है। हाँ, नहीं होगी तो फिर चल, छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। हाथ नहीं छोड़ना मन्नो, एक बार हाथ छोड़ा तो फिसल जाएगी, फिर हाथ लगवाने वाली। अरे आज कौन छोड़ने वाला है, हाथ तो जबरदस्ती हाथ में होता है। जब जब बैठ ली हम रथ साथ पर भैल बुरा मोरा हाल के रिक्शा जोर चलावे ना, ए रिक्शा जोर चलावे ना, के रिक्शा जोर चलावे ना, ऊंची नीच न देख जगरिया रिक्शा जोर चलावे ना। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, वो रिक्शा कुछ नहीं, वो ऐसे ही। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। तुम सब लोग यहाँ ऐसे ही जरा घूमने आए थे? आई ना, बैठिए ना रिक्शा में, जहाँ कहे पहुँचा देता हूँ बाबूजी। अरे नहीं नहीं, मैं तो सामने आया था, डॉक्टर गुप्ता गया। डॉक्टर को क्या हुआ? नहीं उसे कुछ नहीं, अपना साधुराम बीमार रहता है ना। साधुराम तो उनसे कहने आया था गाँव में आके उसे देख ले। अच्छा 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 अच्छा, मनो मैं चलता हूँ। मगर बाबूजी एक बार हमारी रिक्शा में पाँव धर दीजिए ना बाबूजी, रख दूँ रिक्शा में पाँव, पनौती कट जाए बाबूजी। अरे पनौती कैसी? क्या बताऊं बाबूजी, सवेरे सवेरे उठते शीशे में अपना मुंह देख लिया था मैंने, तब से एक भी सवारी नहीं मिली, क्या करे यार, मुंह ऐसा है ना अपना। तो शीशा घर में रखा ही क्यों है, तोड़कर फेंक क्यों नहीं देता? अरे वाह, कैसे फेंक दूं, कल जो हमारी घरवाली आएगी उसे जरूरत पड़ेगी कि नहीं। शीशे में अपना मुंह देख देख के वो काजल बिंदी लगाएगी, चोटी जूड़ा बनाएगी, बनाएगी कि नहीं? घर वाली आने वाली है क्या? आओ ना, अब आइए ना, आइए बाबूजी, आइए। बैंगन लगता है खाना पकाने की तैयारी हो रही है। अब मैं आपसे क्या बताऊं, इन बेचारों के पास पैसे तो होते नहीं, जो भी जिसके पास होता है देके चला जाता है, मुझे पैसे भगवान दे देगा। ये क्या है? ये चीजें ये लोग यही बनाते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप लोग इन्हें शहरों में क्यों नहीं बेचते? बड़े बड़े शहरों में इनकी बहुत कदर है, बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं। लेकिन बाबूजी वहां तक हम पहुंचे कैसे, हमें क्या पता? आप फिक्र मत कीजिए,
ये सब मुझ पे छोड़िए। मैंने भी आपसे कहा और तुम संभाल के रखो तो चाहिए तुम्हारा कुछ है कि मेरे पास नहीं और कुछ नहीं है। हां तो फिर मुंह क्या देख रहे हो, सब कुछ हो गया, अब बाहर बैठो, जाओ जाओ। लेकिन सेठ जी पैसे तो दो। अरे पैसे भी देता हूँ मगर तुम लोगों की भीड़ की जगह कहां चलती रहेगी, मैं सांपनी घर सुनूंगा। आप बाहर जाकर बैठिए और मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक एक को कसा दूंगा। जाइए चलो 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 बोली। अब आपसे कुछ आपस की बातचीत हो जाए, मेरा मतलब है आपसे ही साहब। हाँ बेटा तुम जाओ 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 आपसे ही साहब जाओ। हाँ हाँ आ गया। आप जब इन लोगों की सेवा के लिए इतनी दूर से मेरे लिए इनको यहाँ लेकर आए हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपकी कोई सेवा करूँ। मेरा मतलब है क्या कमीशन लेंगे, कितना परसेंटेज रखूँ आपके लिए? मेरे लिए सेवा का मेवा आप भी तो खाएंगे ना, बोलिए बोलिए ना। देखिए मुझे दो वक्त की रोटी के सिवाय और कुछ खाने की आदत नहीं। तो वो भी आप सूखे ही खाते होंगे। जी हाँ आपने बिल्कुल सही फरमाया, इन सब चीजों के दाम सही और मुनासिब समझ के इनको अदा कर दीजिए। अरे ठीक है, खरे सोने की तरह अदा कर दूंगा। अच्छी बात है। ये क्या किया? ये अच्छी बात है, ये क्या है? आपका पल्लू। ये क्या किया आपने, सीधा तीर मार दिया। तलवारबाजी का शौक है तो मैदान में जाकर कसरत कीजिए, आपको तो न वक्त का ख्याल है और न जगह का। I'm sorry, मैं... क्या सॉरी? माफ कीजिए मैंने आपको देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, क्या आंखें खराब है आपकी, दिखता नहीं? तब तो आपकी सरकारी नौकरी ही छूट जाएगी। ये मेरी आंखों में लग जाता तो आपकी आंख चली जाती। शट अप। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। ये बहुत बड़ी गलती की है आपने। आप चुप तो रहिए, आपने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करने लगा? क्योंकि मैंने उस दिन आपका सीटी बजाना बंद कर दिया था, आप उसी का गुस्सा निकालना चाहते थे। देखिए उस बात का तो मुझे ख्याल भी नहीं था। तो मान लीजिए ये तीर अगर मेरे सीने में चुभ जाता तो खून खराबा हो जाता, जान भी जा सकती थी और आपको सजा मिल जाती। सजा तो इन्हें अब भी मिलनी चाहिए। आपके पास चाबुक है? चाबुक मतलब? मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं। मगर ये तो सरकारी मुलाजिम है। आप चाबुक देते हैं या नहीं? देता हूँ देता हूँ। ये लीजिए। दीजिए रबिश। मगर ये सरकारी मुलाजिम है। आप चुप रहेंगे या नहीं? इसकी कीमत क्या है? कीमत 25 रुपए। बिल बनाकर घर भेज दीजिएगा। जानते हो चौधरी साहब की बेटी है। आपने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी लाली नहीं। पागल है ये। पागल हो या ना हो मगर आगे से ख्याल रखना। समरू चलो अपने अपने पैसे ले लो। आओ आओ पैसे तेरे से ही करता हूँ। और इधर लगाओ अपना अंगूठा मिस्टर समरू। अरे राजी तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा शहर आया था, सोचा तुमसे मिलता चलो। पर इस वक्त यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं कोई खास गड़बड़। अच्छा ऐसी दुकान में हादसा हो गया वरना मैं। हादसा? अरे हादसे का तुम क्या कह रहे हो, अब मैं तुमको एक तमाशा दिखाता हूँ। तमाशा? हाँ वो मेरी बहन जो है ना वो घुड़सवारी सीख रही है। है तो तमाशा लेकिन हादसा भी हो सकता है। ओ देखिए घोड़ा बड़ा समझदार जानवर है। मालूम है जी, मैं बोल रहा हूँ क्या है उसे समझदारी के साथ। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी बहुत समझदार हूँ। वो तो आप है ही, लेकिन क्या है ये जानवर है ना। मालूम है दीदी, हर बात मालूम है करती है, कुछ आता तो है नहीं, कुछ हो गया तो। अरे तू देख तो अभी क्या तमाशा होता है। नहीं नहीं नहीं, घोड़े पे हमेशा बाएं तरफ से चढ़ा। लेकिन मैं इधर से चढ़ूंगी। अरे नहीं होगा, 20 साल से घुड़सवारी सिखा रहा हूँ, आज तक कोई भी दाएं तरफ। अगर कोई दाएं तरफ से चढ़ना चाहे तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी चढ़िए। अरे 1 2 ध्यान से। अरे घोड़े पे पीठ पे चढ़ना था,
एक घोड़ा दूसरी पागल तीसरा गधा बड़ा चला था मुझे चला दे खुद लड़क गया मुझे लटका दिया मोटू मम्मी कौन है रे बचाड़ो दीदी कर क्या रही है मना कर देना गिर जाएगी वो थ्री लो पाउंड डालो चल प्यार मुनी कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी जब कोई चीज आती नहीं तो वही करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो जाती है पहले सीखना समझना नहीं चाहिए तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई हादसा हो जाए तो है? जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती है इतनी बड़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई अभी तक मेरा क्या कसूर था आपको घोड़े पर चाबुक चलानी नहीं चाहिए थी घोड़ा भिजक गया इनके लिए चाबुक ही अहम है घोड़ा मेरे लिए तो हिसाब को क्या आपकी राय किसने पूछी थी बड़ा मत मुन्नी तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना देख तेरी वजह से इसकी क्या हालत हो गई देख मुन्नी रुको मुन्नी अरे मुन्नी तू यहाँ बैठी है तुझे चोट तो नहीं लगी चोट लगी होती तो हॉस्पिटल में होती यहाँ थोड़ी होती अच्छा अच्छा बाबा बस कर अब रो मत ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई रोते नहीं मुन्नी लो गर्मा गर्म दूध पी लो तू जा यहाँ से तंग मत कर तेरे वजह से बाबूजी ने मुझे डांटा अच्छा बाबा मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम दूध तो पी लो प्यारे बच्चे देखा ना माँ बाबूजी ने मुझे खावा का डांटा मेरी गलती क्या थी गलती तो घोड़े की थी तू फिर आप तो समझदार हैं, आप तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए नीतू ये क्या कोई पढ़ने की जगह है और ऊपर से पलंग पर बैठ के स्कूल की किताब छोड़ के ये किताब तुम जब करती हो तब जॉब बहस करने की कोई जरूरत नहीं और दो दो तकेले के आराम करने की भी कोई जरूरत नहीं है समझी अब तुम बड़ी हो गई हो सोचने समझने की उम्र हो गई है तू भी तो बड़ी हो गई है जरा सोच मामा जी की जरा सी बात लेके तूने इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया छी छी मुझे तो शर्म आ गई घर के सारे बर्तन तोड़ डाले प्यारे यही तो सीखने की उम्र है मैं तो घुड़सवारी कर रही थी कोई डाका तो नहीं डाल रही थी लेकिन मुझे तो टेढ़ा कर दिया ना प्यारे बात सुन पहले ये तो बता आखिर तू घुड़सवारी सीख कर करेगी क्या जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ बहुत सारे घोड़े हुए तो तो वहाँ भी सब टेढ़े हो जाएंगे प्यारे अरे सुन 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 घोड़ों की बात तो जाने तू पहले शादी तो हो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन तूने सबके सब ठुकरा दिए क्यों शोभा दीदी शादी तो मुझे करनी है मुझे कोई पसंद तो आए आखिर मैं भी तो सुनूं कि आपकी पसंद है क्या बताऊं बता सुनाऊं सुनाना कद लंबा आह बड़ी बड़ी आँखें वाह वाह पढ़ा लिखा शांत क्या बात है हर बात पे खिटपिट ना करे हर कदम पे मुझे ना टोके यानी कि लल्लू हो मतलब आदमी अच्छा हो तुम्हारे हाँ में हाँ मिला है हाँ लेकिन जरा सोच समझ के गाना भी गाता हो हाँ
ये भी है शर्मीला हो। हाँ। नहीं तो रंगीला हो, नहीं तो दिल वाला हो। हद आगे बढ़ रही है, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मैं तुझे बताती हूँ। आओ आओ प्रकाश यार, आओ आओ। अरे आओ आओ नमूना दी ग्रेड। क्यों कब छूटे? छूटे का क्या मतलब? किसी पिंजरे में जा क्या? नहीं यार। आओ प्रकाश, आओ। तू भी एकदम नमूना है। बहुत दिनों बाद आए भाई। प्रकाश कुछ भी कहो, तुम्हारा बंबई है पिंजरा, जो एक बार जाता है पलट कर नहीं आता। अरे भाई वहाँ कंचन और कामनी का जाल भी तो बिछा है। अरे कंचन तो इसने वहाँ बहुत जमा कर रखी है। और बाकी जो रह गया है कामिनी, वो कामिनी जो सचमुच कंचन है मुंबई में नहीं मिली यार। तो क्या उसी की तलाश में वापस आए हो? कमाल है यार, तुम्हारी अकल पे भी निखार आ गया। भाई वो तो हमारी सोबत का असर है। पर प्रकाश तुम्हारा क्या ख्याल है, जो तुम्हें बंबई में नहीं मिला यहाँ मिलेगा? बात बिल्कुल ठीक है, यही मिलेगा। मतलब? मतलब साफ है, मैं यहाँ शादी के इरादे से आया हूँ। शादी? मुबारक हो, मुबारक हो। वाह 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 वाह। कहीं शादी कहीं मेरा मतलब है किसे? जो इस शहर के हर नौजवान लड़के के दिल की धड़कन है, उसी लाली से। प्रकाश खत्री नाम का एक आदमी कभी भी आपसे मिलने आ सकता है। वो एक आवारा अय्याश और बदमाश लड़का है। वो यहाँ आपसे शादी करने आया है और दावा करता है कि जब चाहे आपको अपनी जेब में डाल सकता है। आपको प्रकाश से होशियार रहना चाहिए। यह खत तो मुन्नी को दिखाना ही चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसकी चिट्ठी है? करती अपनी तरफ से। ये रविराज कौन है? ऐसा लिखा है जैसे मेरी जान बचाने के लिए उसकी जान जा रही है। मुन्नी कविराज ने जो लिखा है उस पर जरा गौर करो, और ये जो खत्री साहब तुम्हें मिलने बंबई से आ रहे हैं ना, उनके बारे में सोचो। बात दरअसल ये है चौधरी साहब कि मैं ये रेलगाड़ी में सफर करने का आदिवादी नहीं हूँ। तो फिर यहाँ? इसीलिए तो मैं नॉर्मली हवाई जहाज से सफर करता हूँ। भाई तब तो तुम्हें आसमान छोड़ के जमीन पे उतरना पड़ा होगा। क्या करूं चौधरी साहब, पहले तो सोचा कि अपनी मर्सिडीज लिए चलता हूँ, लेकिन रास्ते में इतनी धूल, इतना कीचड़। हाँ भाई, तुम्हारी बम्बई की चीजें यहाँ कहाँ चलेंगी? ये सब तो गरीबों की आबादी है। नहीं, नहीं नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है चौधरी साहब। बात दरअसल ये है कि हमसे मिलने लायक यहाँ आपके सिवा और है कौन? अरे भाई मैं भी तुम्हारे आगे क्या हूँ। चाय नोच फरमाइए खतरा साहब। ए खतरा नहीं, प्रकाश खत्री। मम्मी, खतरा साहब मैदान में उतर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज वो बहुत खेलेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं हूं ना, मैं उन्हें पहले ही बॉल पे आउट कर दूंगा। आ गए, वो आ गए। सोचा जब आ ही गया हूं तो इनसे भी मिलता चलो। तो मिलिए। आप इतनी छोटी सी थी जब मैंने आपको देखा था। 10 साल बीत गए ना, इसलिए ये बढ़ गई। ये आप क्या कर रही हैं? उलझन में है। उलझन? समस्या, पजल। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो अक्सर डैडी के साथ आपकी कोठी में आया करते थे। अजय इनको कहाँ याद होगा, इसीलिए तो हर क्लास में 3-3 बार फेल होती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है टैडी नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं आता था। टैडी मैंने पिताजी श्री बनवारी लाल खत्री। अच्छा अच्छा, तो यूं कहिए ना, बैठिए आप। आप बहुत मसरूफ लग रही हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। हाँ, मैं आपके लिए एक खास चीज बम्बई से लेकर आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक ही पीस है, मेरे करोड़पति दोस्त हैं, मेरे उनके साथ घरेलू ताल्लुकात हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अभी बंबई आए थे व्यापार के सिलसिले में, उन्होंने मुझे ये दिया। अब मैं ये आपको पेश करना चाहता हूँ, अगर आप बैठिए। भाई आपका ये नौकर बहुत बढ़िया आदमी है, बंबई में ऐसे शरीफ और तमीजदार नौकर नहीं मिलते। ये नौकर थोड़ी है, इसके साथ खेलकर तो मैं बड़ी हुई हूँ। इसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, बाबूजी ने
भैया बुलाते थे। चलिए वही सही, ये तो आपके बाबूजी की शराफत है, वरना ये तो नौकरी। जिन्होंने हमारे सुख चैन और आराम के लिए अपनी सारी जिंदगी निछावर कर दी, उन्हें हम नौकर नहीं कहते, वो हमारे अपने हैं। हम कहीं चूक भी जाएं, लेकिन उनकी नजरें नहीं चूकती। ये हमारे बाबूजी पिछले साल झांसी से लाए थे। बहुत देर हो गई, मैंने किसी को अपार्टमेंट दिया था, मैं चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। खतरा टल गया। तू बड़ा बदमाश है। ओहो माथुर साहब आइए पधारिए, क्या हाल है, कैसे हो? जरा इसे देख लीजिए। ओहो इसे क्या देखना है, सर के बालों से लेकर पांव के अंगूठे तक तो शराब लहरा रही है और बीच में धुआं है धुआं। अब देखिए ना, ये बीड़ी तो होंठ से उतरती नहीं। बहुत खांस रहा है। खांसेगा नहीं तो क्या हंसेगा? जरा देख तो लीजिए आप। ठीक है देख लेता हूँ, लो भी दिखाओ नाड़ी तुम्हारी। ओह ये तो मृदी नाड़ी है, वो नाड़ी भी खांस रही है। वो आपका नलका कहाँ गया, उसे देखिए ना। वो नलका लगता है मेरी बीवी ने कहीं रख दिया होगा, मैं देख के आता हूँ। नलका बीवी ने रख दिया। ए घोष बाबू, मैं तुमको घिस के रख दूंगा। नहीं मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी ने नलका रद्दी वाले को बेच दिया। लेकिन उसके बगैर आपका कैसे चलेगा? आप मेरी बीवी को नहीं जानते, शुक्र करो भगवान का कि उसने अब तक मुझे रद्दी वाले को नहीं बेचा। नहीं मेरा मतलब है उसके बिना मेरा काम चल सकता है। बात यह है इनकी छाती में बलगम बहुत है, मुझे 6 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तुम आज से 1 इंजेक्शन लिया करो हर 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद क्यों, एक ही दिन में सब दे डालिए ना। 6 इंजेक्शन एक साथ नहीं दिए जा सकते। बाबूजी मर्द का बच्चा हूँ, पीछे तो क्या एक दिन में 12 भी हजम कर सकता हूँ। इन्होंने तो और कुछ कहा था, ये तो सुई लाए। जाने की कोई बात नहीं, अगर सुई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा? मन वाह वाह घोड़े मियाँ वाह, खूब ऐश कर रहे हो ससुराल में आकर। साले रोज सैर स्नान खाना तरह तरह के पकवान, बच्चू एक दिन तुम्हारी टांग तोड़ेगी साथ में अपनी भी। ओह घोड़ा सैर करने जा रहा है और गधा सिर खाने आ रहा है। मुन्नी वो आ रहा है, सिलक का कुर्ता पहने हुए और शॉल लपेटे हुए, इधर मत देखना। नमस्ते जी, मैं दरअसल इधर से गुजर रहा था, आपको देखा तो चला आया। आप गुजर गए? ओह बड़ा अफसोस। बाग में न जाने कितने फूल मुरझा जाते हैं। अजय फूल तो होते ही मुरझाने के लिए हैं। दरअसल आपको ये प्यारे लाल बहुत नटखट है। नहीं हमारे घर में फूल रखने की कोई जगह नहीं है। सही फरमाया आपने, हमारे घर के भी सारे फूलदान फूल हो चुके हैं, कोई जगह खाली नहीं है। नहीं प्यारे लाल जी, एक जगह खाली है। लाले जी अच्छा नमस्ते, मैं चलता हूँ। ये आदमी गधा नहीं हो सकता, ये खच्चर है। तू क्यों उसे बकबक करने लगा, मैं तो उसे बाबूजी के पास भेज रही थी। ओहो कोई बात नहीं, लो मुझे दो ये पकड़ो तुम। क्यों घोड़े मियाँ, आज आपको हम बहुत बढ़िया नाश्ता कराते हैं। आहा हा। खाओ 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 ऐश करो। पर असल मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। पार्टी किस लिए? बहाना ढूंढ लिया है उन्हें अपने घर बुलाने का। अरे भाई तो क्या पार्टी तुम दोनों जनों में होगी? नहीं गुरु, यार दोस्तों के बिना पार्टी के तुम सब लोग रहोगे। अरे तू क्यों अपने माँ बाप का पैसा खामोखा खराब कर रहा है? हे रवि प्रकाश पार्टी दे रहा है। पार्टी किस खुशी में भाई? मेरे जन्मदिन की। जन्मदिन कब यार? ये कोई 7-8 दिन में होगा। 7-8 दिन में इसका मतलब ये हुआ तू कब पैदा हुआ, तुझे ये भी याद नहीं? लेकिन तू तो बरसात के दिनों में पैदा हुआ था। चलो बाहर में मना लेते हैं, मौसम खूबसूरत है। और फिर मैं कब पैदा हुआ
ये बात कोई जरूरी तो नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? उनका मेरे घर आना। वो आ रही है, प्यार से बुलाएं, पर वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? देख प्रकाश, तेरी ये गंदी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू नहीं आएगा? मत आना भाई, अफसोस तो होगा। शर्म कर प्रकाश, शर्म कर। अगर तू उनकी इज्जत करता है ना। मैं उन्हें प्यार भी करता हूँ। मेरे दिल के मालकिन है। चटा प्यार। रवि, लगता है प्रकाश का पैर तेरी दुम पर पड़ गया है। बचवा, अगर तेरे दिल में कोई ऐसी बात है तो आजा मैदान में। नहीं नहीं गुरुजी, दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो यार एक झूठ बोलकर उसके सहारे में इतनी बड़ी खुशी पा जाऊं तो तुझे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो झूठ, मनाओ खुशियाँ। यार और साथ में मनाऊंगा तो भीग जाएगी, तो सुखा देंगे। और बाहर में मनाऊंगा तो खिल जाएगी। यार बाबूजी, आज मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कई काम दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो मन ना करने पर भी करने पड़ते हैं। वाह वाह, क्या बात है। मैंने आपका खाना लगा दिया है। अच्छा जाओ बेटा, खाना खा लो जी। ओ राजीव, आज शाम को तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? भाई मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है वहाँ। लेकिन भाई मैं वहाँ पर इतने बड़े लोगों के बीच में मैं क्या करूँगा? तो तुम किसी से कम हो क्या? हमारे साथ चल रहे हो? अरे भाई तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। ठीक है, आप लोग जब मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊँगा। अरे मोहन, तेरे वहाँ जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है यार? रवि तू समझता नहीं, वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए सब कुछ कर रहा है। सुन यार, अबे तेरे जख्मों को देखने के लिए उसके पास इतना वक्त ही कहाँ है? सुन, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें उल्लू बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ जाए। जाऊँ? हाँ यार। एक मिनट जरा सोचने देना मुझे। क्या सोचने देने? हाँ सोच सोच। लेकिन मैं वहां जाऊं क्यों? कबाब में हड्डी बनने के लिए, समझा? कुछ समझे? देख यार मोहन, तू उसे अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसे चिपक के रहना। चिपक के? हाँ, ताकि उससे कुछ बात ना कर सके, समझा? समझ गया, जब मेरा कुछ नहीं बना तो उसका भी कुछ नहीं बनने दूंगा। एक रवि राज, कुछ नहीं छोड़ना। वेलकम। मिस चौधरी प्लीज। हमारे यहाँ आके आपने जो इज्जत हमें दी है उसके लिए मैं सिर झुकाता हूँ। अरे सर झुकाने में तेरा पर्स गिर गया यार। हमारे गरीब खाने में आके आपको कैसा लगा ये आपने बताया नहीं मिस चौधरी। किसी भी खूबसूरत माहौल में आकर लोगों को अच्छा ही लगता है। चलिए, मैं तो डर रहा था कि कहीं आपको किसी बात से कोई तकलीफ ना। खूबसूरत चीज भी ज्यादा हो जाए तो तकलीफ हो जाती है। मोहन, घर आए हुए मेहमान को हमारी किसी बात से किसी तरह की कोई ठेस पहुंचे ये हम नहीं चाहते। कैसी ठेस यार? देखो मान लो जैसे तुम ये कहना चाहते हो कि मिस चौधरी बेहद खूबसूरत हैं, तो ये बात इनके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए, अदब के खिलाफ है। मिस चौधरी क्या है कि ये मेरा दोस्त एकदम भोला भाला है, सीधा साधा है, जो बात इसके दिल में होती है ना जबान पर आ जाती है। जिस्मानी खूबसूरती तो कुदरत की देन है, आदमी खुद चाहे तो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वाह वाह, कमाल की बात की है आपने तो। प्रकाश आप कुछ और फरमा रहे हैं जी। लेकिन आपके बात करने के अंदाज में जो खूबसूरती है उसे आपने खुद हासिल किया है। शुक्रिया। अबे तुम वहां से क्यों चला आया? वहां तो प्रकाश का काम बन रहा है। मैंने तो तुझे काम बिगाड़ने भेजा था। लेकिन वो लड़की तो उसकी तारीफ करती है और उसके सामने मेरे को तो बिल्कुल उल्लू ठहरा दिया। तो है। चल चल आ गए उनके पीछे। मेरे को डर लगता है। मैं खुश हूँ कि आप यहाँ आकर खुश हैं। आपको अच्छा लग रहा है ये मेरे आप प्रकाश चौधरी साहब तेरे को बुला रहे हैं। चौधरी साहब एक्सक्यूज मी। प्रकाश एक नंबर का लफंगा है, वो आपके पास बैठकर हमें ये जता रहा है जैसे आप उसे बहुत चाहती है। मैं नहीं। आप है या नहीं मैं कुछ नहीं जानती। इधर आइए। किधर गया? किधर गया? आइए सामने सामने।
जो कुछ भी कहना है सामने आकर कहिए। प्रकाश बाबू के दोस्त बनकर आए हैं और उन्हीं के घर में आकर उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, कैसे आप? हाँ दरअसल बात यह है। बैठिए बैठिए। अबे इधर आ यार। अरे कमाल हो गया यार। क्या अपना उल्लू तो वहां पे जम गया है? उतरी। दरअसल बात यह है, आप नहीं जानती ये बहुत बुरा आदमी है, आज उसका जन्मदिन नहीं है। मतलब? मतलब ये है, ये तो सावन के महीने में पैदा हुआ था, ये तो खाली दोस्तों को दिखाने के लिए कि आप उसकी उसकी क्या बात नहीं डालेंगी। ऐसा क्यों? आप नहीं जानती यहाँ सब आपकी खूबसूरती उसी की चर्चा करते रहते हैं। तो उसने हमसे कहा कि जिन पे सब फिदा हैं वो मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचती हैं, मुझ पे मरती हैं। अच्छा है, इसीलिए तो बाहर में जन्मदिन मना रहा है क्योंकि आप आ रही हैं। यार ये तो हंस रही है। मोहन के साथ जम गई। रवि जिस मोहन को तू उल्लू समझता था देखना वही बाजी मार ले जाएगा। मेरे होते वैसा कभी नहीं हो सकता। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रकाश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या कह रही हैं आप, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो तो बहुत बदमाश आदमी है, उसने हम सब लोगों को बताया कि उसने जो फूल आपको दिए थे ना वो फूल आपने अपने होंठों से लगा लिए थे। मैंने जो किया है उन्होंने वही बताया है। हाँ ठीक किया होगा, लेकिन ऐसी बातें सब लोगों के सामने तो नहीं बतानी चाहिए ना, आखिर उसकी शादी आपसे होने वाली है। अच्छा उन्होंने ये भी बता दिया? हाँ, क्या सचमुच होने वाली है? क्यों अगले सावन में? सावन सावन तो आपको कोई एतराज है? नहीं कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जिस महीने में आदमी पैदा होता है ना उस महीने में उसकी शादी नहीं होती। तो चलिए फिर फागुन में कर लेते हैं। फागुन फागुन में खटिया खड़ी फागुन 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 फागुन। तुझे वहाँ लाइन मारने भेजा था क्या? अरे मैं क्या लाइन मारूंगा, और तू भी भूल जा, शादी तो सावन में पक्की थी, वो तो मैंने रोक ली तो फागुन में चली गई। क्या बकवास कर रहा है? छोड़, यहाँ हम लोग कुश्ती लड़ते रहेंगे और वहाँ प्रकाशबाजी मार ले जाएगा। मैं आज आप सब लोगों को प्रकाश, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, कोई अच्छा सा गाना हो जाए। और नहीं तो क्या, मैं पहले तो यार क्या खूब गाते थे, कोई हल्का फुल्का। और खाना कुछ सुनाइए ना प्रकाश बाबू। अरे प्रकाश जी कुछ सुनाइए ना, महफिल जम जाएगी। दरअसल जिस आवाज की तारीफ मेरे दोस्त कर रहे हैं ना वो मैं अपनी ही गलती से गवा बैठा हूँ। मेरे दोस्त ने जहर खिला दिया था तभी से मुझे गाना छोड़ना पड़ा। हाजी बाबू आज आप ही इस महफिल को अपनी मधुर आवाज से रंगीन बना दीजिए ना। मैं? हाँ मैं क्या गाऊं? पकड़े गए ना राजीव, सजा दो इस रात को, गाओ गाओ। सांवरी सलोनी ऐसी, सांवरी सलोनी ऐसी सज रही रात, कजरारी आंखों जैसी मद भरी रात, मद भरी रात, मद भरी रात। चंदा कटिका लिए, चंदा कटिका लिए गर्वीली रात,
धीरे धीरे उतरी ये शर्मीली रात, चंदा कटी काली गर्वीली रात, धीरे धीरे उतरी ये शर्मीली रात, दामन में तारे लिए, दामन में तारे लिए हंस रही रात, कजरारी आंखों जैसी मद भरी रात, मद भरी रात, मद भरी रात, गहराई ऐसी कोई है, गहराई ऐसी कोई ठाह न पाए, मन चाहे डूबे यहीं और खो जाए, गहराई ऐसी कोई ठाह न पाए, मन चाहे डूबे यहीं और खो जाए, शबनमी बूंदों वाली, शबनमी बूंदों वाली रस भरी रात, कजरारी आंखों जैसी मद भरी रात, मद भरी रात, मद भरी रात, सांवरी सलोनी ऐसी सज रही रात, कजरारी आंखों जैसी मद भरी रात, मद भरी रात, मद भरी रात। प्रकाश की पसंद तो बहुत अच्छी है, काफी खूबसूरत है। हाँ, काफी पढ़ी लिखी है, बीए पास है, शादी हो जाए बस, बस बात पक्की है समझो, वरना यहाँ आती नहीं हूँ। आपने हमारे जन्मदिन पर आकर हमें जो खुशी दी है, इज्जत दी है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया, हमें आपसे कुछ कहना है, आप जरा अंदर चलिए। श्योर। आइए, अंदर आइए, अंदर आइए ना। मैं यही ठीक हूँ। आपका जन्मदिन तो शायद सावन में है ना? आपसे किसने कहा? राज जब खुली गया तो बात बनाने से फायदा क्या? मैं आपको चाहती हूँ ये जाहिर करने के लिए आपने ये बहाना ढूंढ लिया। बहाना? कैसा बहाना? आपके दिए हुए फूल मेरे होठों तक पहुँचने से पहले मेरे घोड़े ने खा लिए थे। घोड़े ने? हाँ हाँ, घोड़े ने। अब आपको कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। आपसे गुजारिश है, आइंदा आप कभी हमारे यहाँ मत आइएगा, समझे? बाबूजी घर चलिए। लेकिन रवि साहब, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। भाई लोग बुरा मान जाएंगे। लोगों से क्या लेना देना, तुम रहो। ओ मेरी मुन्नी, ओ मेरी लाडली, तू अभी नहा धोके नाश्ता करके जितने भी चूहे हैं यहाँ सबका सत्यानाश करके तीरथ को चली जाना। बुद्धू, वो अभी इतनी छोटी है कि सारे चूहे मिलके उसका सत्यानाश कर देंगे। हे देख, हर बात पे मुझे मत टोका करो, नहीं तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? हाँ हाँ, क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? हाँ, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। पानी डालो। क्या कर रहे हो? बिल्ली को नहला रहे हो? किसी और को नहलाओ। क्या करूं डॉक्टर साहब, और किसी को तो नहला नहीं सकता, इसलिए बिल्ली को नहला के खुश हो रहा। अरे भाई, नहलाने से बेचारी मर जाएगी। डॉक्टर साहब, बीमार मैं नहीं हूँ, वो है। एक ही बात है। रहने दीजिए डॉक्टर साहब, आप तो इंसानों का इलाज करते हैं, जानवरों के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बात नहीं, जानवर मेरे बारे में बहुत जानता है। हमने भी हजारों बिल्लियाँ देखी हैं, लेकिन आज तक किसी बिल्ली को नहलाया है? अभी नहला के देख लेता हूँ। अरे डॉक्टर साहब की बात मान ले, वो ठीक कह रहे हैं। तेरी बात नहीं मानी तो डॉक्टर साहब की बात
मेरी बला से मत मानो, जब बिचारी बिल्ली मर जाएगी तब मुझे याद करोगे। चलो मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। देखो तुम पीछे से भटवाटेकर की दुकान से इंजेक्शन लेके आओ। चलो भाई, चलो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। बाबूजी। अरे मंगली, आज सब्जी वगैरह कुछ ज्यादा ले आना। क्यों, आज ज्यादा खाना खाना है क्या? अरे नहीं नहीं, अरुण बाबू आएंगे, हो सकता है उनके साथ कुछ लोग और भी हैं। और लोग? हाँ सब खाना यहीं खाएंगे। तो कोई खास चीज बनाओ। जो तुझे ठीक लगे सब बना लेना। अच्छा बाबूजी। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी बिल्ली मर गई। मैं पहले जानता था, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सब बिल्लियों को पहचानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। क्या मतलब? बिल्ली नहलाने से नहीं मरी, नहलाने के बाद मैंने जब निचोड़ा तब मरी। अरे ओ, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? वाह कितनी अच्छी जगह है ना भैया। हाँ। नमस्ते, कहाँ है तुम्हारे साहब? वो तो अपने दफ्तर में है। दफ्तर में? जी। अजीब आदमी है, हमें यहाँ बुला के खुद दफ्तर में बैठे। कैसे हैं तुम्हारे साहब? बहुत अच्छे, ठीक हैं। ओहो, मैं उनकी तबीयत के बारे में बात नहीं कर रहा। तो अकल, अकल है उनमें कि नहीं? अकल नहीं होती तो इतने बड़े सरकारी अफसर थोड़े ही होते हैं। ये तुमने ठीक कहा, अगर उसमें अकल ना होती तो मुझसे दोस्ती कैसे होती। जैसा बॉस वैसा मुलाजिम। करेक्ट। समझ गई? तो मैं सब समझती हूँ, बीबी जी उनकी तारीफ कर रही है। हाँ, ये तूने ठीक कहा। अच्छा मैं उसे दफ्तर से लेके आता हूँ, तुम लोग यहाँ बैठो और आराम करो। हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं भैया। ओहो, जो मन में आए वो करो, मैं अभी आता हूँ। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, यहाँ बहुत ही सुंदर नदी और झरने हैं। अच्छा झरने? हाँ। थक गई बीबी जी? नहीं। बीबी जी आप हमारे बाबूजी की क्या लगती है? कोई नहीं। तो यहाँ क्यों आई? ऐसे घूमने। बीबी जी हमारे बाबूजी के साथ आपकी शादी होने वाली है। तेरे बाबूजी से? तेरे बाबूजी हमें यहाँ लाकर रखेंगे कहाँ, इस जंगल में? उनकी तो किसी जंगली लड़की से शादी होनी चाहिए। वाह वाह, हमारे बाबूजी तो बहुत बड़े और पढ़े लिखे आदमी हैं। आप इससे पॉकेट भर के पैसा कमाते हैं। उनके तो तुम्हारे जैसे किसी राजकुमारी से ही शादी होगी। कैसे होगी? तेरे बाबूजी बिल्कुल बेकार आदमी है, कुछ भी तो नहीं आता उन्हें। ऐसा नहीं कहना, हमारे बाबूजी को बहुत कुछ आता है। जब वो बंसी बजाते हैं तो सारा जंगल झूम उठता है। मतलब तुम्हारे बाबूजी बहुत अच्छे हैं? वो तो है ही। तू बाबूजी से बहुत प्यार करती है। मैं क्या, उनसे तो सब लोग प्यार करते हैं। चुप, बहुत बदमाश हो गई है तू। सच्ची तो है दीदी, देखा नहीं उनकी बातें करते, उसकी आंखें कैसे चमक रही थी। ए, क्या है? वहाँ से तो बाबूजी हमें भी नहीं जाने देते, तो फिर तू वहाँ कैसे जाती है? वो जो पुल है ना, हाँ उसके ऊपर से। अच्छा, हाँ चलो। बहुत देर को खेते रे बाबूजी। हाँ जो भी है चलो। कहाँ? झरना नहीं देखना है क्या? हाँ झरना, चलो। उधर नहीं जाना, यहाँ से देखो। ये कैसे हो सकता है? आज तो हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन है और आप आज ही शहर जा रहे हैं। उद्घाटन? नया ऑफिस? कौन सा नया ऑफिस भाई? लगता है बड़े मौके पर आ गए आज हम। राजीव बाबू के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत खूबसूरत सा ऑफिस बना दिया है। ये लोग इन्हें अपना मानते हैं ना? आप भी तो उनके अपने हैं, अगर आप ही नहीं आएंगे तो। उपाध्याय जी शहर तो आप कल भी जा सकते हैं, आज हमारे साथ उद्घाटन पर चलिए ना। चलिए ना। अच्छा आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा भैया भी क्या बेकार इस जंगल में घसीट लाए। बेकार? झरना नहीं देखा तुमने? देखने से क्या होता है, खुद तो जाके उस ताजन के पास बैठ गए और ताजन की वो खाना पका रही है। मैंने जब कहा था तो मुझे तो डांट दिया था, अब खुद ही उनकी वो कह रही हो। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और ऊपर से चाबी। अच्छा हुआ भैया चाबी भूल गए। दीदी ये क्या कर रही हो?
मैं भैया को बोल दूंगी। भैया को बोलने से पता है ना क्या होगा। दीदी दीदी नमस्ते 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 नमस्ते। अरे राजीव माला क्यों उतार रहे हो? अच्छी राजीव लगता है यार, है ना खूबसूरत? हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन बजे कितने? क्यों उपाध्याय जी अभी आते होंगे? उपाध्याय जी नहीं, मुझे तो मुन्नी की फिक्र है। इतना भी क्या घबराना हुआ यार? अरे भाई मंगली भी तो साथ है ना, तो फिर चिंता की क्या बात है? राजीव वो कब क्या कर बैठे उसका कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है तुम लोग उनके इस स्वभाव के बारे में बार बार चर्चा करते हो ना, इसीलिए वो ऐसी। अच्छा हाँ कुछ चाय वाय पियोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। तुलसी जी सरकार कुछ चाय वाय का बंदोबस्त हो सकता है? हाँ जी लाता हूँ। ये पास हैं और समझदार भी हैं। राजीव तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या किया तुमने? कभी तो कोई काम सोच समझ के कर लिया करो, आता जाता है नहीं कुछ और जीप चलाने लगी। कितने दिन से कह रही हूँ सिखा दो कभी सिखाया ही नहीं। तो इस तरह सीखोगी? अगर कोई नीचे आ जाता दब जाता मर जाता तो? कोई दबा मरा तो नहीं ना? लेकिन नुकसान कितना हुआ ये भी तो देखो। देखा है, जहां से दीवारें टूटी है ना बन जाएगी। नहीं नहीं इस नुकसान की कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन नुकसान आपको भी हो सकता था, चोट लग सकती, कुछ और भी हो सकता। जो भी होता आपसे हमदर्दी मांगने नहीं आती। राजीव मैं बहुत शर्मिंदा। अरे कोई बात नहीं चलो घर चले, भूख लगी। ये क्या हुआ? मैं तो उद्घाटन पे आया था। उद्घाटन तो हो चुका है। ये देखो उस कविराज के बच्चे ने फिर से खत लिखा है। फाड़ दो। अरे बाद में फाड़ेंगे, एक बार पढ़ तो लो। ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो सुन तो सकती हो ना, तुम पढ़ो बहुत जरूरी चिट्ठी है। प्रकाश का दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं है, आपसे शादी करके आपसे बदला लेना चाहता है। समझे ऐसे खतरनाक आदमी को पास से मत फटकने दीजिए। मैं सारी खबरें ऐसे ही बताता रहूंगा, आप परेशान मत होइएगा। परेशान तो साला खुद हो रहा है। अगर आपको कहीं से रत्ती भर भी तकलीफ मिली तो मेरी जान निकल जाएगी। हार तो मैं कहती हूँ। तुम पहले पूरा खत तो सुन लो, पढ़ो। बहुत दिनों से आपकी कोई खबर नहीं मिल पाई, आपका खत मिलने से दिल को चैन आएगा। बेचारा आपके खत का इंतजार रहेगा। आपका रविराम। नहीं तो मैंने क्या किया, चिट्ठी तो उसने लिखी है। एक कागज और कलम उठा। मैं जो बोलूं वही लिखना, रविराज जी अगले हफ्ते 7 तारीख को मेरा जन्मदिन है, आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा। आपके साथ एकांत में बैठकर कुछ बातें करनी है और आपको ये मत लिखना। ये क्या हो रहा है? मुन्नी मुझे कहानी सुना रही है। हाँ, ना मुन्नी? तो फिर ये भागे क्यों? बच्ची है ना, हाँ, पागल है। हाँ, सारा दिन भागती रहती है। हाँ, यहाँ से वहाँ। तो फिर शेर ने चूहे से कहा मैं जाऊं। हाँ क्या कहती है? कहती है आपसे अगर कभी मेरी मुलाकात हो जाए और लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ कहाँ जा रहा है, जंगल है, सब कटेगा। अरे तो पहले बोला था यार, डरा दिया तूने। आपसे अगर कभी मेरी मुलाकात हो जाए और लोगों को दिखाने के लिए आपसे बदतमीजी करो। बदतमीजी? अरे मामूली बातें करो या गाली दूं। गाली तो बड़ी अच्छी चीज होती है, दो दिल खोल के दो।
तो आप बुरा मत मानिएगा। नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये राज कुछ दिनों तक राज ही रहे तो अच्छा है। आपकी अपनी साली। दीदी कविराज आ गया है। आई आई है कविराज जी, आई आई। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू प्यारे जी। रवि जी को शरबत पिलाओ और कहीं एकांत में बिठाओ, मैं आती हूँ। फिट करता हूँ। आइए आइए, आप कुछ खाएंगे? नहीं। फल लाऊं? अरे नहीं, सेब नहीं, शरीफा। अरे मेहरबानी, आप कुछ पिएंगे? अरे नहीं साहब। रविराज जी बैठिए बैठिए, कहिए आपकी क्या खातिर की जाए? खातिर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। और अभी जो होने वाला है ये आपने कभी नहीं सोचा होगा रविराज जी। लाली जी आपकी तो हर बात निराली है। आप हैंडल मत तोड़िए। कोई हमारी बातें सुन रहा है? सुनने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो सोचा था कि आप बंदर हैं, लेकिन आप तो उल्लू हैं। वैसे आप कुछ भी कहें मैं बुरा नहीं मानूंगा, आपने लिख जो दिया था। क्या लिखा था? आहिस्ता बोलिए, लोग सच समझेंगे। सच ही तो है, आप उल्लू भी नहीं गधे हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। आप कुछ भी कहें मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप कैसे आदमी हैं? किसी भी गाली का पर कोई असर नहीं होता? अरे गाली का असर तो तब होता जब आप दिल से देती। मैं तो तैयार होके आया हूँ, आज आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा ही करेंगी। और ये ना, अब मैं आपको क्या कहूँ, आप अगर मेरे मेहमान ना होते तो धक्के मार मार के निकलवा देती। आपका ऐसा बर्ताव करना हम दोनों के लिए जरूरी है। अगर कहीं ये राज खुल गया तो दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। राज? हाँ, हम दोनों के प्यार का राज। जी छोड़िए जी, जाके दूसरे मेहमानों को रिसीव कीजिए, मैं यहाँ पर खुशहाल हूँ। आपने ठीक कहा है, थोड़ी देर में आपके साथ और रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाऊंगी? पागल होने में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आदमी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। मैं कर सकता हूँ। आपके ऊपर हमारी बीवी जी इतना नाराज क्यों हो रही थी? तू नहीं समझेगा यार, जाके शरबत लिया मेरे लिए। आप केला वेला खाएंगे? केला तू खा, मुझे शरबत पिला। चल कविराज जी शरबत। धन्यवाद प्यारे जी। वो कहाँ है? वो है लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ये है, इन्हें हमने बहुत दिनों से सीने से लगा रखा है। लेकिन आपके पास ये चिट्ठियाँ कहाँ से आई? पोस्टमैन ले गया था, है ना? हाँ, पोस्टमैन? लेकिन मैंने तो चिट्ठियाँ, वो है ना अपनी। हम जानते हैं। हमने सोचा कि जब इन चिट्ठियों का जवाब हम खुद दे सकते हैं तो फिर अपनी बीवी जी को क्यों तकलीफ दें। लिहाजा हमने इनका जवाब लिखा, जवाब आपको मिला, आप यहाँ हारे और हमारी बीवी जी ने आपकी खूब खातिर की। शरबत बहुत खातिर हो चुकी मेरे, धन्यवाद। वैसे प्यारे जी। हाँ जी। पिछवाड़े से निकलने का कोई दरवाजा है? कविराज जी हमारे यहाँ दरवाजे तो बहुत हैं, एक तो यही है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको कभी आना हो तो सामने के दरवाजे से आइएगा, यहाँ से नहीं, वरना हमारे कुत्ते बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे आना किस गधे ने है, मैं तो जाना चाहता हूँ। क्या मैं जाऊँ? लीजिए शरबत, लीजिए। आप पीजिए, आप अभी जा रहे हैं? मैं चलता हूँ। आपने ना चाय पी? बाय। शरबत पिया? गुड नाइट। उस दिन भी आप मुझे देखकर कुछ गा रहे थे ना? नहीं नहीं, मैं 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 आज अगर मौका है तो फिर सुनाइए। मैं क्या गा सकता हूँ? अगर आपसे हो सके तो मैं आज अपने आप पर कुछ सुनना चाहूंगी। क्यों, आपने आंखें क्यों झुका ली? सुनाइए ना। चंचल नैना मोहिनी चितवन, चंचल नैना मोहिनी चितवन, जन्म जन्म तरसा
शीतल नैना मोहिनी चितवन जन्म जन्म तरसाय बेकल जियारा चैन न पाए बेकल जियारा चैन न पाए जिए कि मरे ये सोच न पाए कहाँ तले प्रीति पावन जमुना लहराए झुकी झुकी पलकों तले प्रीति पावन जमुना लहराए जितना जितना देखो आस मिटे ना बिना देखे अकुलाय जिया जाय संचल नैना मोहिनी चितवन जन्म जन्म तरसाय संचल रंग गुलाबी फागुन रहा लगाए रे गोरे अंग पे रंग गुलाबी फागुन रहा लगाए रे आती जाती लाज की बदरी जाती लाज की बदरी रूप को और सजाए तरसाए चंचल नैना मोहिनी चितवन जन्म जन्म तरसाए बेकल बेकल जियारा चैन न पाए जिए कि मरे ये सोच न पाए कहाँ जाए चंचल नैना मोहिनी चितवन जन्म जन्म तरसा तरसा वाह राजीव बाबू वाह बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत गाना था जी शुक्रिया मैं ऐसी हूँ आज तक किसी ने नहीं कहा था
बाबूजी और भैया ठीक कहते हैं। करेक्ट। आप सबसे अलग हैं। जी मैं। राजीव बाबू, आपकी वार्डन के लोग आए हैं। हाँ, उनमें से एक पागल कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से काट दिया है। आपको बुला रहे हैं, चलिए। चलो चलो। अरे बाबूजी, इसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। अरे तू यहाँ लेकर क्यों आया? डॉक्टर के पास लेकर जाना था, जानते नहीं इसकी जान खतरे में है। डॉक्टर बाबू हमारी कहा सुनते हैं बाबूजी, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। राजीव बाबू, इस वक्त बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको उठाइए, मैं जरूर निकलता हूँ। मैं भी चलता साथ में। जी। लेकिन आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं प्यारे को भेज देती हूँ। जी नहीं, ये प्यारे का काम नहीं, ये मेरा काम है। जरा सा कुत्ते ने क्या नोच लिया कि बस, न जाने कहाँ कहाँ से सब चले आते हैं। अरे इन लोगों को घुसने किसने दिया, पार्टी का सारा मजा खराब करके रख दिया। किसी की जान खतरे में है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है? आप अपनी पार्टी में ही दीवानी है। दौलत ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जरा गौर से देखिए, शायद आपको नजर आ जाए ये भी एक इंसान है। जान अगर जानी होगी तो क्या आप बचा लेंगे जाकर? आपकी नजरों में गरीब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। ताज्जुब है, आप इतनी पढ़ी लिखी, इतने अच्छे खानदान की लड़की होकर इतनी स्वार्थी कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आपका शौक पूरा हो, आपकी खुशी में खलल न पड़े, भले को जिए या मरे, यही चाहती है ना आप? किसी इंसान के दुख दर्द का एहसास तक नहीं आपके दिल में, सिर्फ अफसोस की नहीं बड़े शर्म की बात। जागा रही आप, हकीकत सुनते ही डर गई। जिस शक्ल पे आपको इतना नाज है ना, 15 साल के बाद देख लीजिएगा शीशे में, नफरत होने लगेगी अपने आप से। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमदर्दी के 2 शब्द बोलकर आप इन गरीबों का सहारा बन सकती थी, लेकिन शायद आपके पास तो वो 2 शब्द भी नहीं इन गरीबों के लिए। नोट कीजिए, चाहिए। तो बोल, मुझसे क्यों नहीं बोलती? आखिर मैंने क्या किया? इसी बात का तो दुख है कि आपने कुछ नहीं कहा। एक मामूली सा आदमी आपके बेटे को सरेआम मुंह में जो आया कहकर चला गया और आप चुप रहे। मुन्नी, गलती दरअसल तेरी थी। मैं गलती मेरी थी और नहीं तो क्या? तुमने जो भी किया वो गलत था। राजीव जिसकी जान बचाने के लिए भागा था, आखिर वो भी तो एक इंसान है। हाँ, वो इंसान है और मैं जानवर हूँ। नहीं मुन्नी, नहीं, तू जानवर नहीं है, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसी ना समझ ऐसी बातें क्यों कर बैठती है? लेकिन तुम्हारे दोस्त तो बहुत समझदार है, इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आई कि मेजबान को जलील करने पर मेहमान खुद जलील हो जाता है। और भैया, तुमने भी उन्हें नहीं रोका। कैसे रोकता मुन्नी, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। मतलब गलती मेरी थी? आप जी अंदर आइए ना। अपनी गलती का एहसास होते मुझे आप याद आए। मैं जी मनमानी करते करते मैं अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई थी, लेकिन सबके सामने आपको इस तरह दुख देकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपने जो भी किया ठीक किया, दरअसल आज तक मुझे किसी भी बात पर कभी किसी ने टोका नहीं, इसीलिए गलत बात भी मुझे सही लगती थी।
मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मुन्नी अब राजीव का मुझ जिंदगी भर नहीं देखेगी, मगर उसने तो राजीव के आगे सर झुका दिया। इसमें हैरत की क्या बात है बाबूजी? जिंदगी का वो पहलू जिसे हमने हमेशा मुन्नी से छुपाए रखा, राजीव ने वो पहलू उसे दिखा दिया। वैसे इस तब्दीली का आना तो जरूरी था। हाँ। वैसे मैं इस तब्दीली से बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे तुम तो बिल्कुल हमारे जैसा खाना पका लेती हो, मैं समझती थी तुम जानती ही नहीं कुछ। खाना बनाना हर लड़की को आना चाहिए, नहीं तो सास डंडा लेके दौड़ेगी। बीबी जी, तुम जब हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? पूछ। बाबूजी ने तुम्हें उस दिन डांटा था? हाँ, बहुत जोर से डांटा था। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मेरी भलाई के लिए ही तो कहा था। अच्छा, तो फिर उस दिन तुम रोने क्यों लगी थी? तो उन्होंने सब कुछ तुझे बता दिया? हाँ, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ तुम्हें डांट कर। चौधरी साहब अपनी बेटी की शादी एक मामूली वेलफेयर इंस्पेक्टर से कभी नहीं करेंगे। भाई तुम अच्छी तरह जानते हो प्रकाश कि उनकी बेटी अपने घर से खाना बना के उस मामूली आदमी के लिए इतनी दूर जा सकती है, वो भी उनकी मर्जी से। साफ जाहिर है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। मंगली आई बाबूजी। बुरा ना मानिएगा, कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए लिख रही हूँ। और जो कुछ भी कहना चाहती हूँ सब लफ्जों में लिख देना बहुत मुश्किल है। आपकी सीधी सादी और भोली भाली शक्ल के पीछे जो इंसान छुपा हुआ है वो किसी से भी कम नहीं है। मैं उसके आगे सर झुकाती हूँ। भैया और बाबूजी ने जब कहा था तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन उस रात मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं इन चंद दिनों में बहुत बदल चुकी हूँ। जो काम आपने शुरू किया है। गुलदस्ता। यार जल्दी से गुलदस्ता देना। देखिए साहब कौन सा? कोई भी दे दो, लेकिन जरा जल्दी करो। ऐसा ना आया मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। राजीव का पत्ता तो कट चुका है और वो साला नौकर भी नजर नहीं आ रहा जो फूलों को कूड़े को खिला दे। रास्ता बिल्कुल साफ है। लीजिए साहब। बीस का छुट्टा तो लगता है नहीं है। अच्छा रखो। मौसम कितना प्यारा है। जी जी क्या तो मैं कह रही हूँ मौसम कितना प्यारा है। बोलो ना। हाँ बहुत ही प्यारा है। और जरा आइए न पास में, हम ये हाथ मेरा हाथ में। ये क्या है? अरे जरा हंसिए ना। अब ज़्यादा हंसिए। इसलिए मैं जो कहती हूँ इसलिए। हंसने से आप बड़े अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं कि फूल झड़ते हैं। मुझे बिना बात के हंसी नहीं आती। बात है मुसीबत की जो पीछे चली आती है। कौन 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 है? अब तो जरा हंसिए या गाइए। मौसम
कितना प्यारा है, बोलो मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है। बार बार यहाँ वहाँ जाती है नजर, कहाँ छोड़ो न जमाने को, गोली मारो गोली मारो, जाने दो साथ मेरे गाना प्यार का तराना। बार बार यहाँ वहाँ जाती है नजर, कहाँ छोड़ो न जमाने को, गोली मारो जाने दो साथ मेरे गाना प्यार का तराना। मौसम कितना प्यारा है, बोलो ना मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है। कल अपनी उलझन में पड़ा आपको उलझाना, मुझे माफ तो कर देंगे, कहीं बुरा तो नहीं माना। ये थी मेरी खुशनसीबी, ऐसे मौके का आना, शुक्रिया शुक्रिया आपका जो मुझे इस काबिल जाना। तेरा पाने को सफर जिंदगी का बनेगा सुहाना, नैनों में तुम्हारे नी देखी मैंने आज प्रीत, छोड़ दूं जमाने को साथ तेरा पाने को सफर जिंदगी का बनेगा सुहाना। मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना प्यारा है। राम 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 राम। इन्हें जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता राजीव, अरुण इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, पढ़ाई लिखाई तो जैसे इन लोगों के लिए बला, तो फिर इन्हें समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के बिना इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें इस जंगल से निकलना है, नहीं तो ये गरीबी से छुटकारा नहीं पा सकते। यही तो मुश्किल है, ये लोग गरीबी से निकलना ही नहीं चाहते। ये कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, यहाँ जरा क्या ठीक है पढ़ाई। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है ऐसे। ये क्या है? बीड़ी है। मैं कहता हूँ बीड़ी बुझा दो। बीड़ी बुझा दी तो फिर पढ़ाई भी बुझ जाएगी मूर्ख। जब तक दिमाग को धुआं नहीं लगता तब तक कुछ सोचता ही नहीं। छोड़िए मास्टर जी, ये तो गनीमत समझिए वो यहाँ पर आ गए। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये तो आपके बड़े भाग है कि मैं यहाँ बीड़ी पीने आया। क्या हो रहा है, स्कूल चालू है ना? हाँ डॉक्टर साहब स्कूल तो चालू है, लेकिन आपके पीछे ये क्या चालू है? कुछ नहीं, एक मरीज खुश होके दे गया था, डबल सवारी तो कर नहीं सकता, पीछे बांध लिए। आज रात को इसका ही दूध पीऊंगा। पढ़ लिख के ऐसे बकरी का दूध ही पीना है तो पढ़ लिखने से क्या फायदा, इसे तो बीड़ी पीना अच्छा है। ए, कुछ ना मत।
चाय चाय हाँ? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। नहीं पियेंगे? नहीं नहीं पियेंगे नहीं। आपने चाय बाहर क्यों फेंक दी? आप लाई थी तो मैं पी लेता। पी लेते हाँ? पी लेते ठीक हाँ? है मैं और ले आती हूँ। और चाय है? क्यों तुम पियोगी? बाबूजी के लिए। अभी अभी तो पी उन्होंने। पी कहा गिरा दी। अच्छा लो। ये लो। अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था आप सचमुच दूसरा कप। अरे अरे अब आप लाई हैं तो मैं पी तो पी तो। ठीक है आप कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए बैठिए ना। बैठ जाती हूँ मगर आप वो मत कहिएगा। क्या? वही जो सलीम ने अनारकली से कहा था। क्या कहा था? तुम्हें देखकर आशिक अपना दिल, शहंशाह अपना ताज और सिपाही अपनी तलवार रख देगा। सलीम ने नहीं, दुर्जन दुर्जन ने कहा। दुर्जन ने कहा था? दुर्जन ने कहा था मगर आप मत कहिएगा। मगर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आप नाराज क्यों हो रही हैं? हो सकता है सलीम ने बोला हो। बोल दिया होगा। अलेक्जेंडर भी बोल सकता था लेकिन सच मैं कभी नहीं बोलूं। अच्छा एक बात बताइए उस दिन आप कुछ गा रहे थे ना चंचल नैना क्या क्या मैं सचमुच वैसी हूँ? हाँ उस दिन तो आप सचमुच वैसी लग रही थी लेकिन आज नहीं लग रही हूँ ना। चाय पीजिए ठंडी हो जाएगी। हाँ चाय। एक बात और बताइए। अभी कोई और बात बाकी है? असली बात तो मैं अब पूछने वाली हूँ। हाँ पूछे। पूछो। हाँ हाँ पूछे। पूछो। हाँ पूछे ना। पूछो। हाँ क्या आप मुझे प्यार करते हैं? जी क्या आप मुझे प्यार करते हैं? जी 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 क्या कर रहे हैं? इतनी सी बात बोलने में इतना परेशान होने की क्या बात है? अब मुझे देखिए मैं आपसे प्यार करती हूँ। देखा बोल दिया ना करती हूँ तो करती हूँ। डरती थोड़ी हूँ। आप अच्छे लगे आपसे प्यार हो गया बस इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया। अरुण जी बाबूजी। बाबूजी आप परेशान हैं? अरे नहीं भाई मैं ये कह रहा हूं कि राजीव बड़ा अच्छा लड़का है। इसमें हंसने की बात क्या है? बाबूजी आप इतनी बार कही हुई बात को दोहरा रहे हैं तो मैं हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा। अब आप साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? तुमने राजीव से बात की? बाबूजी राजीव से बात करने से पहले आप मुन्नी से तो बात कर लीजिए। ये बात मैं करूंगा? इतनी नाजुक बात है तुम लोग करो ना। बस रख दी ना बंदूक आपने मेरे कंधे पे। लाली जब तक तू नहीं बोलेगी हम क्या बोल सकते हैं? मैं क्या बोलूं? तुम लोग तो ठीक समझो करो। तू एकदम सरफरी है। देख अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर। इस बार मेरा दिमाग दिल से हार गया। रख दी ना बंदूक मेरे कंधे पर। राजीव सगाई तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ तुम्हारी अब चिट्ठी तुम नहीं लिखोगे तो क्या मैं लिखूंगा? अरे भाई लिखूंगा क्या? लो जो हुआ है वो लिख दो। अरे हुआ क्या है? राजीव बनो मत अपनी माता जी को लिख दो कि इस मामले के बारे में अपनी राय लिख के बाबू जी को भेज दे। समझ गए ना? हाँ हाँ देखो ना माँ सब मुझे छेड़ रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया। मैं क्या करूं? वो मुझे अच्छे लगने लगे। तुम तो सबके मन की बात जानती हो। एक बात बताओ क्या वो भी मुझे सचमुच चाहते हैं? ठीक है तुम बोलो ना बोलो
वो मुझे जरूर चाहते हैं, मैं जानती हूँ। अरुण जी बाबूजी, राजीव के माताजी की चिट्ठी आई। आदरणीय चौधरी साहब प्रणाम, आप जैसे महान आदमी राजीव को अपनाना चाहते हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सगाई में मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि डॉक्टर ने और कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है। मेरी ओर से आप जो अच्छा समझें कीजिए। लो बाबूजी बात बन गई, अब आगे। अरे आगे क्या है, कार्ड बार छपाओ, इंतजाम करो। पंडित जी ने 21 तारीख का मुहूर्त निकाला है। 21 तारीख? 21 तारीख तो आ रही है। प्लीज कमाल करेलू। अरे तनी जमा के गवा हो, तनी जमा के। अरे आवा भैया आवा। अरे जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। बहिनेलु गोरिया घुमावदार साड़ी, बहिनेलु गोरिया घुमावदार साड़ी। देखत चलेलु आगाड़ी पिछाड़ी, देखत चलेलु आगाड़ी पिछाड़ी। उपती के आगे रुमाल धरेलू, ये झरेला जिया। अरे फुपती के आगे रुमाल धरेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। ओ जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। तिल भरना राखे लू छतिया पे अचरा, तिल भरना राखे लू छतिया पे अचरा, अचरा अचरा अचरा। तिल भरना राखे लू छतिया पे अचरा, अखिया में डाले लू डेढ़ पाव कजरा, अखिया में डाले लू डेढ़ पाव कजरा। छो छो गोपान कितना है बचुआ कितना, अरे छो छो गोपान एक गोल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। ओ जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू। रो
रोज रोज रतिया के हो लाता मसवा, रोज रोज रतिया के हो लाता मसवा, तमसवा 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 तमसवा, रोज रोज रतिया के हो लाता मसवा। लघुवा निकालेलन, अरे का निकालेलन, अरे लघुवा निकालेलन भाला गड़सवा, लघुवा निकालेलन भाला गड़सवा। जाने ही अरे को अरे अरे जाने ही कैसन गोल माल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करेलू, ओ जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल 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 करेलू। प्यारे हाँ, देखते ये सूट कैसा है? बढ़िया है, अच्छा लगेगा ना उन पर? अब तो राजीव बाबू जो भी पहनेंगे वो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। बात सूट की या सूट पहनने वाले की नहीं है, बात है तुम्हारी नजर की। अच्छा अच्छा बक बक बंद कर और चल मेरे साथ ये लेके। क्या परसों तुम्हारी सगाई है और आज तुम घर से बाहर जाओगी, ये बात ठीक है क्या? चल मेरे साथ। अरे जाने भी दे प्यारे, आजकल ये सब कौन मानता है, जा तू इसके साथ जा। अब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी, परसों। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, चले जा। लेकिन मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? तू तो मेरे लिए हड्डी में कबाब है। लेकिन इतना बड़ा कबाब कौन सी हड्डी में फिट होगा? गए कहां सब? मंगली मंगली ये भी नहीं है, अजीब बात है, यहां भी नहीं है। वाह, अच्छा मैं देख के आती हूँ। ए सुन सुन, बाबूजी कहाँ है रे? मंगली कहाँ है? अरे बोल ना मंगली कहाँ है? उधर बाबूजी के पास है। ए बाबूजी की होने वाली बीवी है। बात है मुन्नी, मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती? आप कौन है? मैं? आप है क्या? आपकी हैसियत क्या है जो हमसे शादी करने चले आए हैं? मुन्नी, जब इन्होंने मुझे जलील किया था तब आपने कुछ नहीं बोला, आज जब मैं हकीकत बता रही हूँ आप क्यों रोक रहे हैं? ये एक मामूली आदमी है जिसने पैसों के लिए अपने आप को एक रईस आदमी के हाथ बेच दिया। मैं दौलतमंद बाप की बेटी हूँ, इसलिए आपने उस दिन कह दिया था कि मुझ में इंसानियत ही नहीं है। मैं पूछती हूँ आप खुद कैसे आदमी हैं? आपका चरित्र क्या है? कहाँ गए? आप
कि वो उसूल, वो बड़ी बड़ी बातें, बोलिए, बोलते क्यों नहीं? मुन्नी, तुम्हें कुछ होश है? तुम किससे क्या कह रही हो? राजीव से तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी? और इनसे? जिस आदमी की भावनाएं कुछ और दिखावा कुछ और, जो आदमी सिर्फ दौलत वसूल करने के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर दाग लगाना चाहता है, उसके साथ शादी करना हमें मंजूर नहीं। लाली, माँ, जी तो चाहता था कि उनकी बदजल्दी की कहानी खुले लफ्जों में सबको सुना दूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं चुप रही। बेवफाई के जुर्म के बावजूद मैंने उन्हें बेवफा नहीं कहा, सिर्फ दौलत के लालच का छोटा सा इल्जाम उन पर लगा दिया। सच पूछो मां, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दिल से उतरने के साथ साथ वो दुनिया की नजरों से भी गिर जाए, क्योंकि क्योंकि कभी मैंने उन्हें चाहा था। राजीव बेटा, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। आप मेरे बारे में मत सोचिए, तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत है मुझे। होगी, लेकिन अपमान नहीं। अगर तुमने ये अपमान बर्दाश्त कर लिया तो मैं समझूंगा तुम इंसान नहीं हो। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बदले में अगर मैं कुछ कहूं तो उसका असर आप पर ही होगा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है, उसके बदले में मैंने आपको सिर्फ दुखी दिया है। और इसके बावजूद भी अगर आपको इज्जत होना पड़े तो इससे बढ़कर अफसोस की और क्या बात हो सकती है। आपके लिए मैं हर तकलीफ सह सकता हूं। आप कुछ भी कहिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है ठीक ही कहा है। सच पूछिए तो मेरी हैसियत ही क्या है? आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। अरुण, तुम बाबूजी का ख्याल रखो, मेरे बारे में परेशान मत हो। राजीव, अभी चलो मेरे साथ यहां से। मेरा अपना ही खून मुझे इतना जलील करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबूजी, गलती तो हमारी है। प्यार में अंधे होकर उसकी हर हरकत को बचपना समझकर हमने बर्दाश्त किया है। सिर्फ अपने बारे में सोचते सोचते वो औरों के बारे में सोचना ही भूल गई है। उसकी मां नहीं है इसे उसके हरते हुए गम को मैंने बर्दाश्त किया। बाबूजी, मैं इस घर का नौकर हूं। तू नौकर नहीं है, मेरा बेटा है। उसी हक से मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप बाकी सब कुछ भूलकर मुन्नी के बारे में सोचिए। क्या सोचना है उसके बारे में? मामा जी, उसकी इस बचकानी हरकत से आपके नाम पर, हमारे इस खानदान के नाम पर जो दाग लगा है उसे वो तो नहीं समझ सकी, लेकिन आप तो सोच सकते हैं। आज से मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। जो जी मिला करें। बाबूजी, मुन्नी तो अभी ना समझ है, लेकिन बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। करने दो, उसकी खातिर मैंने बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं। अब अपमान भी सहलूंगा। लाली, लाली उठो, होश में आओ। लाली, तुमने जो कुछ किया है इसका नतीजा तुम जानती हो? नतीजे की हमें कोई परवाह नहीं। तुम्हें ना सही, लेकिन मामा जी पर, इस खानदान के नाम पर जो असर होगा तुमने कभी सोचा है? हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। कल सुबह जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी
तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया। क्या किया है? क्या किया? जाकर देखो मामा जी को, जाकर पूछो उन लोगों से जो इस घर में मेहमान बनकर आए थे। कल तक वो लोग तुम्हें ना समझ और अलहड़ समझते थे, आज आज वो लोग तुम्हें बददिमाग, जाहिल और गवार समझने लगे हैं। तुमने अपनी सगाई तोड़कर ना सिर्फ अपने नसीब ही फोड़े हैं, बल्कि बल्कि इस खानदान की सारी खुशियां छीन ली। नतीजा क्या होगा? उन्हें कोसने से क्या फायदा? गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। उसकी कोई गलती नहीं जिसने भगवान की मूर्ति को पत्थर समझकर फेंक दिया। मंगली, पत्थर जब भगवान बनने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम यही होता है। मैं ही बहकर अपनी हैसियत के दायरे से बाहर निकल गया था। नहीं बाबूजी, तुम कुछ भी कहो, तुमको इस अपमान का बदला लेना ही होगा, उसके घमंड को चूर चूर करना ही होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं। तो क्या इतना दुख चुपचाप सहलोगे? उन्होंने मुझे जो दुख दिया है उसे मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उन्हें कोई दुख दिया वो शायद कभी बर्दाश्त ना कर सके। पूछू उस मासूम आदमी को, आखिर तूने इतनी तकलीफ क्यों दी? बेइज्जती बर्दाश्त करने की हमें आदत नहीं है, इसलिए तू अपनी जिंदगी तबाह कर लेगी। कहाँ तबाह की है मैंने, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। सबका सुख और अपना चैन तूने एक पल में कमा दिया। मैं ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं कि तूने उसे कभी नहीं चाहा। जिस आदमी ने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की उसे अब कैसे अपना मान लेते? लेकिन वो तुझसे प्यार करता है। प्यार? एक मामूली जज्बात पर भरोसा करके पूरी जिंदगी नहीं कट सकती। दीदी, कल तुम जा रही हो, मुझे बताया तक नहीं। नीतू भी जा रही है? हाँ, उसने भी नहीं बताया। कब वापस आएगी? पता नहीं। दीदी, नीतू को क्यों मुझसे छीन रही हो? इसका जवाब मामा जी से पूछ लेना। तुम जा रही हो? अब रोक कर भी क्या करूंगी मामा जी। मैं तुम्हें रोकूं भी किस लिए? जाओ, तुम भी जाके अपना घर संभालो। मामा जी, आपको इस हालत में छोड़ के जाने को जी तो नहीं चाह रहा, पर तुम भी जा रही हो, नीतू भी जा रही है, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। जब से जाने की बात हुई है मामा जी वो रो ही जा रही है। लाली में तो उसकी जान है, 4 वर्ष की उम्र में यहां आई थी, लड़ते झगड़ते। अरुण जी, बाबू जी, जाओ इसे जाके छोड़ा, वक्त हो गया है। जा रही है,
बाद आऊंगी। बाबूजी, आप जो सजा चाहे मुझे दीजिए, लेकिन इस तरह मुंह न फेरिए। मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा बेटी? मैंने तो हमेशा यही चाहा था, तुम्हारे जीवन की फुलवाली सदा बाहर रहे, मगर तुमने खुद अपने लिए कांटे चुन लिए। आती हुई खुशी को ठोकर मार दी। राजीव जैसा लड़का ढूंढने से भी मुश्किल से मिलता है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वो भगवान के आशीर्वाद की तरह हमारे जीवन में आया। लेकिन खैर, अब तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए सिर्फ यही दुआ मांग सकता हूं कि वो तुम्हें माफ कर दे। शायद वो ही जानता है कि उसने तुम्हें ये सजा क्यों दी। तो भगवान से ये भी जानता है बाबूजी, मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती जो मैंने किया है। क्या कह रही हो तुम? इससे ज्यादा मैं और आपसे कुछ नहीं कह सकती। मुन्नी, मुन्नी क्या हुआ? मुन्नी, पता नहीं। मुन्नी वो जो आदिवासी लड़की राजीव बाबू के यहाँ काम करती है ना, तुमसे मिलने आई है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू अब क्या लेने आई हो? लेने नहीं, कुछ देने आई हूँ। ये लो, बाबूजी से चोरी आई हूँ। तुम्हारे दिए हुए कपड़े बाबूजी के कपड़ों में रखने लायक नहीं है। बकवास बंद करो, रख दो यहाँ और निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। जिसने घर आई खुशियों को धक्के मारकर निकाल दिया, वो मुझे भी निकाल दे, इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? मेरे सामने जबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक देवता जैसे इंसान का तुमने अपमान कर दिया प्यार के नाम पर, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। किस देवता की बात कर रही हो तुम? वही जो सगाई से एक दिन पहले अपने मंगेतर को धोखा दे दे, और मैंने अपनी आंखों से उस देवता की बाहों में तुझे देखा है। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ? जिस हाथ से आज तुमने मुझे मारा, उसी हाथ से माथा पीट पीट कर एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। चुप! तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है बीबू जी। भूल हुई है? हो सकता है तुमने बाबूजी की बाहों में मुझे देखा होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं बेहोश थी। बेहोश थी? हाँ बीबी जी, तुम्हें आते देख मुझे लगा बहुत दिनों से बाबूजी से ना मिलने पर तुमसे कहा नहीं गया होगा, इसलिए आई हो। और मैं भागते हुए बाबूजी को वहां से बुलाने गई। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मंगी? मंगी क्या हुआ? सोते क्यों नहीं मंगी? क्या हुआ, कुछ बोलना। मंगी, 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 ऐसे इधर आ, कुछ बोलना मंगी। मंगी आहिस्ता संभाल कर। कहानी तो तुमने बहुत खूबसूरत गढ़ी है, लेकिन कहानियों से सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सच्चाई पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। देख लिया ना, मैं झूठी हो सकती हूँ, मेरी जबान झूठी हो सकती है, लेकिन लेकिन ये घाव तो झूठे नहीं हो सकते।
बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। अगर बाबूजी के नाम पर दाग ना होता तो ये गांव भी छुपा लेते। बेबी जी तुम खुश रहो। ये सामान ये सब क्या है? मैं जा रहा हूँ मंगली। हम सबको छोड़कर? किसी एक ने तुम्हारे प्यार का मूल नहीं समझा, हमारा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं, तकदीर समझ। नहीं तो इतना प्यार, इतना अपनापन छोड़ के कौन जाता है? तू खुद सोच मंगली, मैं यहां कैसे रह सकता हूं? जिसे सजा दे रहे हो उसी से पूछ रहे हो? मम्मी मैं यहां रहूंगा तो कभी ना कभी बिन चाहे भी सामना हो सकता है, इससे उनका दुख कम ना हो पाएगा। उसके दुख का इतना ख्याल? मंगली दुख तो दुखी है, अपना हो या पराया, किसी को भी क्यों मिले? अब आप यहाँ क्या लेने आई है? हाँ शायद ये देखने आई होंगी कि बाबूजी सचमुच यहाँ से गए हैं नहीं, वो तो कब के चले गए। अब आप खुश रह सकती हैं, अब आपका दिल दुखाने है वो कभी आपके सामने नहीं आएंगे। नहीं मंगली ऐसा मत कहो। ये मैं नहीं कह रही, ये तो वो खुद कह रहे थे कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो आपका दुख कभी हल्का नहीं हो पाएगा। लेकिन वो गए कहाँ? मुझे बताकर नहीं गए, और आपको इसकी क्या जरूरत है? कोई और बदला लेना बाकी रह गया क्या? कह ले मंगली जितना जो कहना है मान ले, जितने ताने माने मैं तो हूँ इसी लायक। आज रो रही हो, तब तो सोचा नहीं कितनी बड़ी भूल कर रही हो। ये भूल नहीं है मंगली, मैंने पाप किया है। लेकिन अब प्रायश्चित करना भी चाहो तो वो है कहाँ? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। बीबी जी मुझे सचमुच नहीं मालूम। नमस्ते। आप? क्या आपको पता है कि राजीव बाबू कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। ट्रांसफर होकर गए हैं तो शायद आपको पता हो कहाँ गए। लोगों को तो यही कह के गए हैं कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हकीकत में नौकरी छोड़ के गए हैं। नौकरी छोड़ गए? ये तो मुझे पता भी नहीं। तुम तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, क्या तुम्हें भी उन्होंने कभी अपना पता नहीं बताया? नहीं। एक बार बाबूजी के पास उनकी माताजी की चिट्ठी आई थी, क्या उसमें भी उनका पता नहीं है? नहीं। Thank you.
आप परेशान क्यों होते हैं बाबूजी? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। बेटी, तू मुझे ना भी बताए फिर भी मैं तेरा दुख तो समझ ही सकता हूं। तेरा दुख मेरा भी दुख है, पर क्या किया जाए। कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वक्त और हालात के बदलने का इंतजार करने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। ये ठीक है कि अनजाने में तुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। नहीं बाबूजी नहीं, जिसे आप छोटी सी भूल कह रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। मैंने पाप किया है बाबूजी, उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही चाहिए। अपने किए का एहसास हो जाना ही बहुत बड़ा प्रायश्चित है बेटी, और वो हो गया है। पर सिर्फ इतने में शांति नहीं मिलती, जब तक क्षमा नहीं मिलती तब तक प्रायश्चित अधूरा है। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे, क्या करना चाहती हो तुम? बाबूजी, जब मैं छोटी सी थी आप ही ने मुझे कहा था कि मेरी माँ है, मैंने वही माना था। ये तो एक ऐसी माँ है जो मुझे सब कुछ दे सकती है, बस मैं इनके हर एक द्वार पे जाकर अपना दामन फैलाना चाहती हूँ। आप मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। तुम्हारी मनोकामना पूरी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबूजी, मैं बराबर देखभाल करूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा उसका, और हर वक्त साये की तरह उसके साथ रहूंगा। मैं जानता हूं बेटा, तू साथ जा रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं, बस इतना ख्याल रखना जी, बराबर चिट्ठी लिखवाते रहना। जी जरूर बाबूजी। और प्यारे, जितनी जल्दी हो सके उसे समझा बुझा के वापस ले आना। जी। बस तुमको ही पहचाना है, मैंने तुमको ही मां जाना, बस तुमको ही पहचाना है। ममता मई करुणा मई मेरी एक तुम ही तो मां, ममता मई तुम ही तो माँ हो, मेरी तुम
Bye.
जगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम राम कृपा बिन सपने मुन्नी, अब बहुत हो गया। कब तक इस तरह दरबदर की ठोकरें खाती फिरोगी? जब तक मेरी खोज खत्म न हो जाए। मालूम है बाबूजी और भैया हर खत में लिख रहे हैं कि लौट आओ। तुझे लौटना है तो लौट जा प्यारे। ये कैसे हो सकता है मुन्नी? तुमने अपनी राय दुलारी की शक्ल का क्या हाल बना लिया है, हमसे अब देखा नहीं जाता। मुन्नी, हमने पाप किया है प्यारे, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए। कोई पाप नहीं किया तुमने, वो सिर्फ एक गलती थी जिसके लिए तुम इतने दुख झेल रही हो और दूसरों को भी तकलीफ दे रही हो। यही तो मेरी बदनसीबी है मुन्नी। अब बहुत हो चुका, अब हम थक चुके हैं। तू थक गया है तो लौट जा, मैं तुझे हर जिम्मेदारी से मुक्ति देती हूँ। क्या तुमने मुक्ति दी? तुमने मुझे मुक्ति दी और मैंने मान लिया? मुन्नी, तुमने हमें जाना नहीं, वरना ऐसा नहीं कहती। प्यारे, तू रोकर मेरे रास्ते को और मुश्किल ना बना। मैंने जो चाहा है वो मुझे पाना है। तो ठीक है मुन्नी, एक बात मेरी भी सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ चलते चलते मर नहीं जाऊंगा ना, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जानी न मानी चेतांशी देवी भगवते स्वा बलदा कृष्ण महाय महामाया प्रयच्छति करहि विप्र दुर्घाति। इस बात का मुझे दुख नहीं कि किसी ने मुझे नहीं समझा, लेकिन लेकिन तुमने भी मुझे नहीं समझा माँ, ये दुख मैं नहीं सह सकती। मैंने जो चाहा वो तो मुझे मिला नहीं, तो फिर सबकी तकलीफ सबके दुख का कारण बनकर क्यों जीऊ? मुझे मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। क्या हुआ इसे? हवा आने दीजिए, पीछे हटी है ना, बोलते क्यों नहीं? इसे क्या हुआ? माँ जी, ये तो नदी में डूब रही थी, हम उठा कर ले आए। माँ जी, इस लड़की ने हमारी आंखों के सामने नदी में छलांग लगा दी। मतलब इसके साथ कोई नहीं था? कोई नहीं था माँ जी, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। मुन्नी, 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 ये लड़की तुम्हारे साथ है? जी माँ जी, मुन्नी, 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 देखो मैं प्यारे हूँ, मुन्नी आंखें खोलो, देखो मैं प्यारे हूँ। मुन्नी घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। माँ जी, मैं घर पे बाबूजी को बोल के आया था कि मैं इसे अपने साथ सही सलामत लेकर आऊंगा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ नहीं होगा बेटे, ये ठीक हो जाएगी। मैं नित्यानंद धर्मशाला में ठहरी हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। बेटे तुम एक काम करो, थोड़ा सा दूध ले आना,
और किसी डॉक्टर को भी साथ में ले आना। हाँ पहुंच जाऊंगा माँ। हाँ जाओ बेटे। एक टांगा ला सकते हो? जी माँ जी, अभी लेके आता हूँ। ज्ञान बिन नारी नर कहि न दूसर बात। प्यारे कौड़ी लागी लो प्यारे करहि प्यारे वो अभी आ जाएगा। मैंने उसे जरा बाहर भेजा है कुछ लाने के लिए। तुम मुझे नहीं जानती बेटी, तुम डूब रही थी, लोगों ने तुम्हें निकाला, तुम बेहोश थी, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, इसीलिए मैं तुम्हें यहां ले आई। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? रो मत बेटी, रो मत, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हाँ रो मत, समझो मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? हाँ बेटी, हाँ बेटी। माँ? रो मत मेरी बच्ची। माँ? रो मत। अरे पागल, तू रोती क्यों है? तू मेरे पास क्यों है? ये अन्याय है, ये पाप है। जो दुख झेलना नहीं जानता वो जीना भी नहीं जानता। लेकिन मैं क्या करूं? मां पर इतना विश्वास लेकर घर से निकली थी तो फिर इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर लिया बेटी? जिनको श्रद्धा होती है उनको मां कभी निराश नहीं करती। मां मैं आज ये एक दुखियारी है, गंगा जी में डूब रही थी। डूब रही थी? मां तुमने डॉक्टर को दिखाया था? के तलाश में भटकते भटकते परेशान हो गई है बेचारी, बहुत दुख झेले हैं इसने। मां करे इसकी इच्छा पूरी हो। मैंने आपके साथ बड़े अन्याय किए हैं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, पर एक भिक्षा आपसे मांगना चाहती हूँ। हाँ, आज मुझे मेरी माँ मिल गई है, आप मुझे इनके पास ही रहने दीजिए। माँ ने जब अपना ही लिया है तो मैं अलग कैसे कर सकता हूँ? मुन्नी, मुन्नी तुम तो बिल्कुल ठीक। राजीव बाबा, इसने आपको जितने दुख दिए हैं वो अपने आंसू से धो चुकी है। देख क्या रहे हो? प्रणाम करो।